महीने महीने का की महीने ऑल्टो निकल आती ऑल्टो <laughs> ऑल्टो भी अब इतनी महंगी हो गई है कोई ऑल्टो नहीं निकल आती महीने की वन ऑफ द बेस्ट आई एक्सपीरियंसिसंक फ्रॉम द मोमेंट आई रेड दैट स्क्रिप्ट आई वॉज इन लव आई वॉज लाइक यार आई एम सो हैप्पी कि कोई इस तरह की चीज़ पाकिस्तान में बन रही है <laughs> हेलो वालेकुम इतना मेरा दिल चाह रहा है ना कॉमेडी इंट्रो करूंगी अपनी कर दोस्त में लेकिन शिओ सो इंड इतना प्यार भरा इंट्रो मेरा कभी जिंदगी में नहीं हुआ तो रेसो प्रोकेट करना पड़ेगा क्विड प्रो को करना पड़ेगा वन ऑफ माई फेवरेट पीपल इन दर्ल्डेंट क्रिएटर वर्ल्ड थोड़ा ज्यादा बोल दिया था आज यार कितनी तो फेवरेट हो वो वॉइस नोट नहीं क्रिएटर इंस्टाग्रामर लम्स किट तमाशा साल दो हजार तेरह की बेस्ट एक्टर कितने साल पुरानी मेरी अचीवमेंट तुम बता सबसे बड़ी अचीवमेंट वो है आपकी अदाकारा कंटेंट क्रिएटर ट्रैवल ब्लॉगर बेटर हाफ ऑफ पतंगीर आ, वाहिद औरत है जिनको लोग कमेंट करते हैं कि मिया को इस्तेमाल कर रही है यार, ये तो हो गया। वाली थी कि तुम्हारा पॉडकास्ट पहले आ रहा है या ओ, मेरा ओ, 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 वो घोड़ा जो निहारी खा यार तुम चुप जा बस तुम जो ना नए जोक्स लेके आओ शाद प्लीज अच्छा आई वाज एक्सपेक्टिंग पूरा मेंटली प्रिपेयर होके आई थी रोस्ट होने वाली हूं बट

आपको <laughs> नहीं पता होगा बट आपके ऑफिस में भी हम एक रिहर्सल कर चुके हैं बिल्कुल बिल्कुल तो मैं मैं यही बताना चाहती थी ऑडियंस को कि मेरा पहला जो इंट्रोडक्शन था टू इम्प्रोव इम्प्रोव कॉमेडी थ्रू शहजाद आई विल बी फॉर एवर ग्रेटफुल मैं और अमतुल तो दोनों स्पंज बॉब की टी शर्ट पहन कर फेरा करते थे यस आई हैड अ फेस वो तस्वीरें किसी के पास नहीं है मैं मैं दूंगी हैं तो हैं है, है, मेरे, मेरे पास है ओह ये वी शुड आई यस डेफिनेटली अकबर आया था उसके साथ भी हमने ना सारी पुरानी तस्वीरें और ये और वो डाल कर हां नाइस आई विल आल्सो गिव यू पिक्चर्स एंड यू शुड पुट देम अप सो व्हाट

इस दौरान तुम कोकेन ले रही थी वी वुड नॉट बी शॉक्ड one वन डे वी फाइंड आउट बचपन से जानता हूँ तो मुझे पता है कि उस टाइम तो मुश्किल ही था हाँ अभी okay. भी मुश्किल ही है यार

ट्रिपल ट्रबल पॉडकास्ट टी टी पी तो उसमें एक ट्रिपल विद अकबर गूगल करें आ जाएगी हाँ तो उसमें मैंने रील भी लगाई अपने पेज पे उसमें मैंने ये बोला था कि यार जो हिस्ट्री है निहारी की अब वो आई नो मैं कन्वे नहीं कर पाई ठीक से वो मैसेज जो हिस्ट्री है निहारी की वो इस तरह आती है कि पहले घोड़ों को खिलाया जाता था ऑफकोर्स नॉट द एग्जिस्टिंग निहारी ओके ट्रिगर वार्निंग नॉट द एग्जिस्टिंग निहारी बट

मतलब मुझे याद है मैंने लाहौर में लाहौर में बहुत कल्चर yeah, yeah. है ना पंजाबियों का मुझे याद है हम लम्स में जाके yeah. नाश्ते किया करते yeah. थे सुबह से सोब निहारी के एंड सुबह तो मैं खा ही नहीं सकती निहारी एंडारीट वन दे you know that Haan, जो कहते है रेसिस्ट है मुझे मेरी दोस्तों की पता भी नहीं है प्रोपोगेट भी नहीं करती हूं इतना मैं दिल्ली वाला लाइक मेरे लिए भी बहुत

No i question i should ask my mom who dropped me but i think i get it from my dad honestly uh, my dad is also very social very talkative bari hansi mazak masti you know he's always the life of the party the energy of the party maybe i at some point i feel like i have inherited from him but if we speak about my bachpan i was always a very it was a balance i was also a shy kid honestly kabhi kabhi but but i was also a talkative kid like स्कूल विद माई फ्रेंड्स फैमिली के साथ कभी कभी मैं शायद होती थी बट ये था कि मेरे दोस्त जल्दी बन जाते थे मैं सबसे दोस्तियाँ कर लेती थी मतलब इफ़ आई वुड गो टू अ दावत विद माई पेरेंट्स उनके अम्मी अब मतलब जो मेरे अंकल आंटी उनके अगर कोई बहन भाई हैं जो बड़े हैं मतलब अपने ट्वेंटीज थर्टीज में और मैं कुछ पाँच साल की बच्ची हूँ मैं उनसे दोस्तियां कर लिया करती थी जब पाँच साल की थी मेरे डी में चालीस साल

मतलब आई कुड स्ट्राइक अ कॉन्वर्जेशन विद देम व्हाट कॉन्वर्जेशन कैन यू हैव विद अ 5 ईयर ओल्ड कल का बेंटेन देखा तुमने हाउ कैन अ 20 ईयर ओल्ड हैव अ कॉन्वर्जेशन विद अ 5 ईयर यार हां गुड क्वेश्चन आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली द कॉन्वर्जेशंस आई वाज हैविंग बट दे वर अंकल्स नेसेसरीली दे वर आल्सो वुमेन एंड फीमेल्स मतलब Uh, अम्मी की जो फ्रेंड्स हैं उनकी छोटी बहनें अगर वो थर्टीज़ में हैं ट्वेंटीज़ में हैं मेरे भाइयों की दोस्त दोस्ती माई ब्रदर्स आर लाइक सिक्स एंड सेवन ईयर्स ओल्डर देन मी तो उनकी जो फीमेल फ्रेंड्स होती थी मैं उनसे दोस्ती कर लिया करती थी एंड आई थिंक हाँ एंड आई वाज ऑलवेज वेरी कॉन्फिडेंट केड ऑलवेज इन लाइक थिएटर्स किट्स डिबेट्स ये सब मैं कर रही हूँ सिंगिंग कॉम्पिटिशन बेसुरी आवाज़ लेकिन सिंगिंग कॉम्पिटिशन बहुत, <laughs> बहुत बुरी आवाज़ है मैं

मे बी हाँ आई वॉज मैं सिंग करी थी बट बहुत कम हल्की मैं खुद ही हल्का हल्का गा रही थी बिकॉज I न्यू की मेरी आवाज़ बहुत बुरी है और जो मेरे सोलो सिंगिंग पार्ट्स है ना वो थोड़े से ना टॉकिंग पार्ट्स थोड़े से बना दिए थे कि जिस टॉक विद लिटिल बिट ऑफ लाइक प्रोज बना दिया था उस इंस्टाग्राम रील में अगर चाहत फतेह अली खान बन जाओ ना हम तो वो वायरल 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 ड्रेस अप I will dress up as the woman. I will give that. Okay, I'll If do it as do, a collaboration? Then. I will do it. Sahi. Shave ni karunga lekin. हाँ चलो वे काफी है मतलब, आगे। हाँ हाँ आगे, आगे। तो आगे। मैं भी कौन सा वो हो रही हूँ आद... तो हाँ। यही मैं मैं ब... बचा था यही बचा था कि हम इस एज में आके शहजाद ये कोलैबोरेशन करें कहा हम प्लेज लिखा करते थे साथ एक्ट किया करते थे कॉमेडी किया करते थे और अब हम ये कर रहे हैं कोलाबरेशन में यार आवाम आवाम हमारी जो है वो बदोबदी चाहती है तो हम आवाम को बदो बदी देंगे अच्छा मैं अब नहीं है वैसे विक, विक शाली करता मुझे लगता है कि हाँ। नहीं करना चाहिए हाँ। तो क्या मैं... लगता है थिन लाइन हम एक्चुअली उस दिन भी डिस्कस कर रहे थे आई थिंक तुम्हारे साथ ही कर रहे थे या किसी और पॉडकास्ट में कर रहे थे तो उसमें भी यही लाइन यही हम डिस्कस yeah. कर एक्चुअली हाँ, वो फायजा के साथ डिस्कशन हुई थी जब फायजा आई थी हमारे पॉडकास्ट पे कि हाउ डू यूज एंड कैरेक्टर्स तो उसका जवाब यही था कि यार इट डिपेंड्स के कॉन्टेक्स क्या है कि या तो मजाक उड़ा रहे औरतों का राइटिंग अगर आप कर रहे हैं हुँ. In, आप मतलब तो कोई एक सीरियस डिस्कवरी तो नहीं कर रहे हैं एक एडी रेडमेंट की मूवी थी अबाउट ट्रांजिशनिंग अ सीरियस एक्सप्लोरेशन दैट्स फाइन राइट बट आप किसी भी स्किट में कॉमेडी के अगर विग पहन के कर रहे हैं hmm. तो वो नॉन डेरोगेटरी कैसे हो सकता है वो इस तरह क्योंकि देखो फॉर एग्जाम्पल देर मैसेज इज टोटली समथिंग डिफरेंट विच इज नथिंग टू डू विद जेंडर फॉर एग्जाम्पल इट्स अ डिफरेंट मैसेज और उसमें दे हैव टू प्ले अ फीमेल कैरेक्टर लेट से एंड इट्स अ कॉन्टेंट क्रिएटर्स सोलो पेज एंड दे डोंट हैव एनी एक्टर टू कोलेबरेट विद और अ फीमेल कॉन्टेंट क्रिएटर टू कोलेबरेट विद एंड दे हैव टू प्ले अ फीमेल कैरेक्टर सो आई एम लाइक ठीक है जबकि कोई अगर कोई बहुत सीरियस एक्सप्लोरेशन

उसमें कोई मतलब औरतों के मजाक नहीं थे कॉमेडी वॉज अबाउट द फैक्ट वुमन राइट द कॉमेडी वॉज स्लैपस्टिक ना तो द फिजिकलिटी वॉज द कॉमेडी वो किसी पे गिर गई या हाँ, आ, जब क्रैश हो रहा होता है टर्बुलेंस हो रही होती है सो फिजिकेलिटी so बिल्कुल वॉज द कॉमेडी अगेन आई डू दैट वु यार वही मुझे लगता है कि जिस तरह हमारा सोसाइटी है जिस तरह फॉर इंस्टांस ट्रांस हैं अगर तो जॉयलैंड में अलीना का रोल कोई सीरियसली लड़का कर रहा होता

That I'm fine with. नहीं कभी कभी जैसे रोल्स भी होते हैं बट वही मैं कह रही हूँ कि यार आई थिंक कॉन्टेक्स पे डिपेंड yeah. uh, करता है लाइक यू नो आई एम टोटली विद कलेरिटी है मेरे इसमें इस कि यार इट hmm. डिपेंड्स के वाइनो सेट इज द कॉन्टेक्ट ऑफ एट यू नो जैसे अभी हमारी कॉन्वर्जेसन hmm. हो रही थी फॉर एग्जाम्पल um, मैंने एक शॉर्ट फिल्म में आई प्लेड अ कैरेक्टर ऑफ अ पर्सन हुट स्पीच इम्पेयरमेंट राइट तो अब यहाँ पर भी, भी वही डिस्कशन आ जाती है कि यार should that role have been given to a person who actually has speech impairment right i think yeah first aapki pehli to i think thought ye honi chahiye ki representation true mm. representation you know but of course aapko probably ek to pehli baat actors honge nahi itne sare who would have speech impairment right chalo second aapka option ye ki theek hai we will get a person and teach them how to act jo mere ek friend ne apni dusri short film mein kiya hua bhi he had a role for an autistic kid and he wasn't an actor and he got him on board train him how to act because he's like I want to re give representation mm. to those people. Hai. So that is your second way to do it, right? Then they go to the third option. Ki, okay, let's get an actor on board and give them this role. So when this role also came to me, um मैंने बहुत सोचा इस बारे में आई वॉज एक्चुअली वेरी हैसट इन यार आई डोंट वॉन्ट डू अ डिसविस टू अ कम्युनिटी यू नो लाइक वही मेरे दिव्या में था कि यार दे डिज़र्व रिप्रजेंटेशन इट शुड बी अ परसन फ्राम देट कम्युनिटी बट देवर लाइक यार वी वो ऑल्सो लव दैट बट वी डोंट हैव एन ऑप्शन पे आई स्पोक टू अल फिल्म मेकर और उन सब ने यही बोला यार कि देखो तुम्हारी इंटेंशन पर डिपेंड करता है और कॉन्टेक्ट पर डिपेंड करता है लाइक इज दिज शॉर्ट फिल्म एक्चुअली अबाउट

इंक्लूड नहीं किया कॉन्वर्जेशन में यू नो लाइक गेट देयर परस्पेक्टिव ऑन बोर्ड के आप फिर भी उनसे चेक कराओ कि इज आई माई पोट्रेइंग यू करेक्टली यू नो इन्वाल्ड इन द प्रोसेस तो मैंने कहा यार दैट्स दैट्स अ वेरी गुड वे ऑफ लुकिंग एट इट एंड देन आई टोल्ड द फिल्म मेकर्स कि एक्चुअली नो वट आई एक्चुअली ग्रू अप विद टू कजन्स हु हैव स्पीच इम्पेयरमेंट तो वो थोड़ा बहुत मेरा उनसे एक्सपीरियंस रहा है उसके अलावा आई हैड एक्चुअली बिन पार्ट ऑफ एन एन जी ओ फॉर लाइक फोर फाइव इयर्स हु वर्क विद यू नो पीपल फ्रॉम द स्पीच इम्पेयरमेंट कम्युनिटी एफ ई एस एफ उनकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम था दे हैड समाइकूटर लैब्स एंड अच्छा ओके नाई सो आईव वॉलंटियर्ड विद क्वाइट अ फ्यू ईयर तो देन दे वाइक ठीक है गुड प्लेस यू हैव एक्सपोजर टू देम यू हैव गि बैक टू देट कम्युनिटी सो दे आई थिंक यू आर एक्चुअली

वो कहां, हाँ, कौन से मुल् की हो बट वो यही था कि आई वॉज लाइक ठीक है जहाँ जहाँ हम सोच सकते हैं इस बारे में वी शुड यू नो टू रिप्रेजेंटेशन देना और ट्राई टू एटलीस्ट लुक फॉर एक्टर्स हु आर फ्रॉम यू नो डिफरेंट कम्युनिटीज और मे बी टेक पीपल फ्राम देर ट्रेन देम टू एक्ट बट आई थिंक मतलब होनी चाहिए ये कॉन्वर्जेस यू शुड बी मोर कॉन्शियस यू शुड आई एग्री कि we, हम बहुत दूर हैं उससे बट आई थिंक एट एन इंडिविजुअल लेवल इफ़ यू कैन थिंक अबाउट दीज थिंग्स यू शुड यू मेरे ख्याल से ज्यादा जरूरी चीज़ है कि राइटिंग रूम में कौन है तो अगर एक एबल्ड बॉडी लोग परस्पेक्टिव लिए बगैर एक डिसबिलिटी hmm. का कैरेक्टर लिख रहे hmm. हैं या फॉर इंस्टेंस श्वेब मंसूर ने वरना बनाई थी जो अपनी तरफ से उन्होंने रेप कल्चर पे बनाई थी मैंने नहीं देखी मैंने में में नहीं बहुत देखी। सारी फेमिनस ने क्रिटिसाइज किया कि ये हाँ, आप रिग्रेसिव आइडियाज ही अराउंड रेप प्रमोट कर रहे हैं जो अपनी तरफ से प्रोग्रेसिव होना चाह रहे थे तो जो डायरेक्टिंग है जो राइटिंग है अगर आप किसी इशू पे किसी कम्युनिटी पे कर रहे हैं और उस कम्युनिटी की वॉयसेस को

जस्ट कर दें हाँ नहीं नहीं वो तो नहीं नहीं हो सकती नहीं हमारी हो सकता। मार्केट ही वो और... अप्लाई नहीं हो सकती कुछ इतना भी इतना गैप है अभी बीच में तो वो अप्लाई नहीं हो सकती आई डू कास्टिंग फॉर फिल्म हम्म नहीं है एक्टर्स नहीं राइटर्स भी नहीं है यार अगर एक्टर्स की बात कर रहे हो उससे तो कम राइटर्स हैं मतलब एक्टर्स तो फिर भी आपको मिल जाएंगे राइटर्स तो यार लाइक टीवी देख लो मतलब राइटिंग देखो हमारी yeah. आज तक एंड यू नो तुमने उसने भी मुझसे पूछा था कि तुमने क्या कॉन्शियसली यू मेड दैट डिसीजन नॉट टू एक्सप्लोर टीवी एंड मेन स्ट्रीम फिल्म एंड येस इट वॉज अ कॉन्शियस डिसीजन बिकॉज द राइटिंग इज़ सो पुअर अभी मैं तुम्हें एक्जाम्पल देती हूँ यार आई वॉज शॉक टू रीड दैट स्क्रिप्ट कि आज तक ब्लैक फेस हो रहा है स्क्रिप्ट में ठीक है कॉमेडी की स्क्रिप्ट थी इन सॉम्बल कास्ती थी कुछ दस कैरेक्टर्स कॉमेडी वही सेट कॉम टाइप स्टाइल एक घर में दस लोग रह रहे हैं तो मियाँ की भांजी भी साथ आ गई तो उसकी शादी हुई तो अपनी खाला को साथ ले आई ये सब ना तो इस तरह करके मिल मिला के दस लोग रह रहे हैं अब उसमें किसी दो लोग की शादी हुई होती है सम लाइक ओल्ड एज में शादी करते हैं कुछ लोग मे बी सेकेंड शादी होती है जो भी होती है तो एक खाला होती है जिनकी शादी होती है तो मैं मुझे भांजी का रोल ऑफर हुआ था कि वो आपको अपने साथ घर ले जाती है नए शादी वाले घर में ले जाती है सो यूरो भांजी अच्छा उसमें यही टिपिकल कि okay. बहुत फनी है बहुत फनी है क्या है आई एम अ डम कैरेक्टर दैट्स माय कैरेक्टर आई एम डम और क्या है आपने दो चोटियाँ बनानी है वो इसकी टिपिकल पिंक एंड पर्पल फ्लावर्स वाले आपके कपड़े होंगे दो चोटियाँ और आप ऐसे बात कर लें क्या बोला है मतलब रानी पाकिस्तानी <laughs> रानी पाकिस्तानी में जो लीड कैरेक्टर था बिल्कुल जो हाँ। आपने मुझे दिया था वही मुझे हाँ। पंद्रह साल बाद आज मुझे वही रोल ऑफर हुआ है बट वो वही हाँ। है कि यार वो हम स्टूडेंट थे तब पंद्रह साल पुरानी बात थी और ये अब मेन स्ट्रीम मीडिया में ये हो रहा है ठीक है और वो यही है कि आप है और आपकी जो खाला है वो चाहती है कि आपका रिश्ता उनके मिया के कोई छोटे भाई से हो जाए तो वो आपको ट्रिक्स समझा रही है कि ऐसे उसको ना है उसके लिए ना तुम चाय बना के लेके जाओ और दूध बना के लेके जाओ सुबह बाद मतलब दूध बादाम वाला ना अच्छा, मिक्स अच्छा। करके जो भी और आप बोलो है क्यों खाला ये क्यों करूँ मैं भैंस खड़ी हुई है अच्छा ये जाके दूध निकालो हाँ और ब्लैक फेस वाला क्या था इसे कि वही आपको तैयार होना आपको मेकअप करना नहीं आता तो वो कुछ कजने आएंगी सहेलियां कजने, कजने आएंगी कजने कजने, हाँ, कजने। बिल्कुल वो उर्दू, हाँ, वो उर्दू जो हमारा ड्रामा कजने। चल रहा है ना हाँ, तो वो आपका मेकअप करेंगी और आपने अपनी शक्ल नहीं देखी होंगी वो आपको वही काला काली चौड़ैल बना देंगी फुल डार्क मेकअप करके ब्लैक ब्लैक कर देंगी और आप पूरे घर में घूम रही होंगी और सब आपसे डर रहे होंगे और आप एंड में देखेंगी शीशा तो ये क्या बना दिया मुझे And yeah. And I was like, <laughs> कैसे करूँ ये मैं नहीं कर सकती यार और मैं इतना एक्साइटेड थी बिफोर द स्क्रिप्ट केम गेम ओके यू नो व लेट्स कंसिडर इट यू नो ठीक है मैंने इतने सालों नो 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 बोला ठीक है कुछ करके कर लेते हैं जब स्क्रिप्ट पढ़ी और तब भी मैं कहती करूँ ना करूँ like, यार मैं नहीं कर सकती है हाउ केन आई स्टैंड बाई सम थिंग लाइक दिस एंड आई सर नो टू दैम लाइक आई डोंट आई रियली वॉन्ट टू से यार ये क्या स्क्रिप्ट है बट आई कूडेंट बिकॉज लाइक आई वॉज टॉकिंग टू अ वेरी सीनियर डायरेक्टर बट मैंने बोला यार मैं कैसे इनके मुँह पे बोलूँ कि यार ये ये क्या स्क्रिप्ट है प्लीज़ गेट आउट ऑफ दिस फनी वेमेन आर नॉट मैंट टू बी मेड फन ऑफ They're funny Not made yeah. fun of Like They can crack jokes But not be the joke You know Which is also interesting Because if you look at The popular funny women In Pakistan hmm. Bushra Ansari Ina hmm. Dilpazir hmm. They're

Wife jokes and yeah. second wife jokes, and like. Which is interesting because one would assume that the primary market for these dramas is also women. मतलब hmm, के hmm. yeah. yeah. hmm. uh, आप अगर किसी दावत में जाएं, अंकल आंटियों की बातें सुने उनके जोक सुने yeah. क्या होते हैं जो ah, 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 यही होते ah, ah, हैं उनको लगता है

हमायों से थोड़ी है जो हमारी वैल्यूज की कोई कदर करे तो फिर काम मिलता ही नहीं तो हाँ, हाँ, है हाँ मिलना बंद हो जाता है बिल्कुल ऑफ कोर्स टीवी तो मैंने इतना मना कि अब शुरू में एक और स्क्रिप्ट आई थी वही टिपिकल लव ट्रायंगल दो बहनें हैं उनको एक मियाँ से एक मियाँ रही लिए एक लड़के एक से, से एक दो बहने एक मियाँ से हम आपके कौन की स्टोरी है <laughs> आप सीढ़ियों से गिर जाती हैं और छोटी बहन पटा लेती है वो क्या अल्लाह तो यार तो यही है कि दो बहनों को एक लड़के से प्यार है अब वो लव ट्राइंगल बन गया कौन सी सिस्टर को मिलेगा ये मिस्टर <laughs>

बोलना जो बात करनी है आप कर सकते हैं और कॉमेडी में भी ऑफ कोर्स आई थिंक एक तो ये एज एन एक्टर इट गिव मी मोर रूम टू प्ले विद यू नो कि लाइक आई कैन बी सो मेनी डिफरेंट कैरेक्टर्स जो मुझे पता है मुझे एक्टिंग में नहीं मिलेंगे इतने hmm. ज़्यादा रोज यू you नो know? अब आप देखो वेमेन को वही सीधे साधे रोल्स मिलते हैं मतलब वही कि एक गंदी वुमन है और एक अच्छी यू you नो know, एक गंदी जो है वो जॉब करती है वो सूट पहनती है खालिद भट्ट ने कई साल पहले बोला था ना सती सावित्री और स्लटी सावित्री हाँ एग्जैक्टली ये तो ये exactly. और अब एक नया आ गया है कि थोड़ा सा कोर्क कैरेक्टर हाँ, आजकल वो दे ट्राइंग टू बी यू नो कि यार एक फनी तो आजकल तुम देखोगे आजकल ना काफी अब उन फनी के क्या है जरूर करली बाल होंगे या ग्लासेस पहनती होंगी या थोड़ी सी ओवर वेट होंगी तो वो उनका ना कोर्की कैरेक्टर आज, ए, आज एक आजकल एक नई कैटेगरी आ गई है तो ये थर्ड उनकी तरफ से बड़े वो क्रिएटिव और इनोवेटिव हो रहे हैं और इंक्लूसिव हो रहे हैं मोमो कैटेगरी मतलब हाँ काइंड kind of, kind of, ऑफ काइंड ऑफ वो एक कैरी कैचर वाली कैटेगरी आपकी आ जाती है तो हाँ तो आई थिंक कॉन्टेंट क्रिएशन वॉर समथिंग दैट गेव मी अ वॉइस दैट गेव मी सम यू नो स्पेस कि यार मैं अपने लिए खुद कैरेक्टर्स लिखूँ मतलब चाहे वो मेल mm. हो चाहे वो फ़ीमेल हो यू you नो know, उनको ख़ुद प्ले करूँ तो एज एन एक्टर ऑल्सो आई हैड ऑफ फन विद दैट एंड ऑल्सो लाइक वो वॉन्ट टॉक अबाउट राइट जो भी आप देख रहे हैं आपके इर्द गिर्द जो हो रहा है सोसाइटी में स्पेशली लाइक कमिंग फ्राम अ वमेन लाइक एवरी थिंग दैट यू सी उसके बारे में अगर बात करनी है तो आप ह्यूमर uh, के थ्रू आप कन्वे कर सकते हैं यू नो सो

उस क्यों क्यूँता वो तो एक नॉवल पे हमने बेस नहीं, किया नहीं, था ना किसी मैंने लिखा था नावी तो उसमें क्या स्टोरी थी मुझे याद है बड़ा डार्क था वो ऑफ कैमरा सुनाना मुझे उसकी स्टोरी नहीं मुझे मैं रो रही होती हूँ काफी कुछ डार्क होता है पहले मेरी और आहत की आर्ग्यूमेंट होती है फिर वो मर जाता है अब याद आ

तो उस पर हमको जीते भी थे हाँ 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 हर इस में जीते थे मैं आई थिंक uh, मैं अगेन आई वुड लाइक टू से बेस्ट एक्ट्रेस जीती थी वो जीती थी, थी। फास्ट में किया जो था हमने शायद हाँ। नदीम का तीसरी दस्तक किया था हाँ। और उसमें भी मैं ग्रम्पी की टी शर्ट पहना सॉरी तो हाँ वो तो तीसरी दस्तक था जिसमें मुझे वो मिला था इतने प्लेस किए यार फिर कॉमेडी वाले ये तो सीरियस हो गए फिर बरी किया था हमने हाँ, सीरियस जोका वाला बिल्कुल और फिर हाँ। हमने कॉमेडी किए क्या कहते हैं बहुत कुछ होता है वो तो और हमारी स्टोरीज के लिए आप देखिए ट्रिपल विद अली गुल पीर। हाँ, वो वाली हाँ। स्टोरीज हम रिपीट नहीं हाँ। करेंगे बहुत कुछ होता है चले बता देते हैं लोगों को मैं उसमें शाहरुख खान टाइप कैरेक्टर था बिल्कुल और मैं इनकी अंजलि बनी थी लेकिन पहला नशा पे अमतुल्ला और मेरा एक डांस था हाँ जिसमे मेरा स्टेप पहला नशा पे अमतुल्ला नहीं नहीं ये नहीं करो आओ प्यार करो नशा नहीं करो और उसमें I भी, भी तो वही रोल था मेरा दो पोनियों वाला पापा पापा मुझे प्यार हो गया है <laughs> <laughs> नहीं शादी नहीं हो सकती oh. यार वो उस टाइम चलते थे प्लेज इस तरह के हाँ यू नो इफ एनी थिंग हमने जो ये इस तरह के प्लेज किए थे लड़की पाकिस्तानी रानी hmm. पाकिस्तानी बहुत hmm. कुछ होता है आई थिंक देर लॉट मोर टीवी

एक जो वो आपका होता है कि नो लाइक माय वर्क शुड नॉट से समथिंग वो कोगे ना हम वो ना भी हो बट नाउ एक वो एक एरोगेंस मे बी इज द बैड वर्ड बट नहीं एरोगेंस नहीं कहूंगी मैं एक आर्टिस्टिक डिजायर भी तो होती है ना कि यार मतलब अच्छा काम करना है मुझे ये हाँ, भी तो है ना कि हाँ. मैं यार मेरा नाम लगा हुआ है तो मैं बट आई थिंक बुरी बात तो नहीं है ये

मुझे लोग गालियां देंगे तू तो नहीं तो में में देखी भी नहीं हाँ, मैंने जब किया तब तक एपिसोड तेरा लिखी भी नहीं गई थी और ये और कैरेक्टर्स और एक्टर्स के साथ हो चुका है स्पीक अबाउट इशूज एंड देर इन सर्टन लाइक खलीमान का मर

They're फील होती है या जेनुअनली थोड़ी ज्यादा या आई थिंक दोनों है पता है मैंने नोट किया देखो आई थिंकोर्स इनिशियट तो हमने ही किया ठीक है कि यार हमें अच्छा कंटेंट बनाना है कि कोई मैसेज हो ऑफकोर्स वैल्यूडेशन हो उसमें सब कुछ दैन ऑफकोर्स यू केटर टू दैट काइंड ऑफ ऑडियस ठीक है आप उनको अट्रैक्ट करते हो mm -hmm. वही आपके पेज पर आते हैं वही आपके कॉन्टेंट को देखते हैं और फिर वही एक्सपेक्टेशन भी वो वही रखते हैं mm -hmm. तो इट्स अ री एनफोर्समेंट का साइकिल mm -hmm. पहले शुरुआत हमने ही की थी आई डू अग्री एंड देन वी गैदर दैट काइंड ऑफ ऑडियंस डैट काइंड ऑफ पुडस ऑन अ पेडिस्टिल कि हाँ यार वी लव दियर कॉन्टेंट ठीक है वो ये सोच रहे थे हाँ कितनी अच्छी बात कर रहे कितनी अच्छी बात कर रही है एंड ऑफकोर्स देन वी डोट हैव रूम टू स्लिप तो ये भी गलत है ना मतलब ऑफ कोर्स ऑडियंस शुड गिव अस सम लीव आल्सो कि हम भी इंसान हैं yeah. हमसे भी गलती हो सकती है तो यही है कि जब ऐसी ऑडियंस जमा करते हो तो फिर वो ऐसी ही आपसे एक्सपेक्टेशन रखते हैं और फिर टू मच यार टू मच यार्सपेक्टेशन हाँ मुझे भी कभी कभी फील yeah. होता है ये मैं कभी कभी कहती हूँ कि यार क्यों वाई यू नो वाई डिड आई डू दिस टू माई सेल्फ यू नो कि अब मैं काफ़ी चीज़ों तो में मैं रिस्ट्रिक्ट तो, हो गई हूँ या कुछ मुझे लगता है किया भी नहीं राइट जिस तरह मैं पॉडकास्ट हाँ मैंने कभी कॉमेडी नहीं छोड़ी

आपको क्या लगता है कि जो दुनिया भर के स्कॉलर्स हैं प्रोफेसर्स हैं

फनी है नाटली एग्जैक्टली टाइगर शरूफ ने पाद दिया था तुम्हें तो वो देखे देखा <laughs> जितना फनी लगता है आई थिंक या, मुझे याद नहीं आ रहा टाइगर तो शरूफ और डांस करते करते उसके नहीं, नहीं, वो टाइगर शरूफ और श्रद्धा कपूर साथ बैठे हुए थे वो कोई आई थिंक स्क्वीकी टॉय था या कुछ था तो टाइगर स्वरूफ ऊपर होता है नीचे होता है तो ऐसी कमाल पाद की मान आती है ना ऐसा लगता है जनवन सही तो वो एक मीम बन गया है कि यार टाइगर श्व कुछ भी बोले ना नीचे बोलते हैं क्या फर्क पड़ता है श्रद्धा के सामने तो पाद दिया था

तो भाई मतलब हाँ भाई आई ऑलवेज भाई ह्यूमन्स आर वेरी मल्टी डायमेंशनल वी आर मतलब आई हैव ऑलवेज बिलीव दैट दैट द रीजन टूडो एम डूइंग लाइक मल्टीपल थिंग्स की ये भी करने बिकॉज वी आर नॉट वन डायमेंशनल यार हम एक जैसे यार इफ यू लुक एट आर पर्सनैलिटीज हम अपने स्पाउस के साथ थोड़े से डिफरेंट होते हैं फ्रेंड्स के साथ डिफरेंट होते हैं अपने मां-बाप के साथ भी डिफरेंट होते हैं राइट डिफरेंट स्पाउसेस का डिफरेंट है होते हैं <laughs> बिल्कुल तुम्हें तो पता होगा ये ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स तो ये सारे तुम्हारे रह चुके okay, यू नो तो मेरे राज राज रखो तो बेहतर है बहुत कुछ होता है बहुत कुछ हो चुका है और बहुत कुछ होने भी वाला है नहीं नहीं वो नहीं बताऊंगा मैं माशाल्लाह

परसैप्शन ऑफ आस यू नो लाइक हमारे माँ बाप हमें अलग तरह से देखते हैं राइट right? हमारे एक फ्रेंड अलग तरह से देखता होगा एक वर्क कॉलिक अलग तरह से देखता होगा एक मे भी मेरा mm. कोई बचपन का दोस्त अलग तरह से देखता होगा सो बिकॉज वी आर मल्टा डायमेंशनल वी नॉट एक ही तरह के हर जगह हर वक्त so that is so unfair of people to expect you to either do comedy or be serious bhai uh, there is a version of us that exists in everybody's minds and exactly. we're not responsible for those versions of course so, definitely. Definitely. तो mujhe to अब कुछ अगर कोई आके ये भी बोले ना कि यार वो मेरे दोस्त तुम्हारे बारे में मतलब बहुत अच्छा है उनको <laughs> समझने दो और तुम <laughs> somehow I've always been like this like even at times right know, yeah

उस तरह से क्या, कोई, कोई है, क्या है वहाँ संभाव मेरा एक अलग ही परसेप्शन था तो वो जब रूममेट मिला तो उसके बाकी दोस्तों ने बोला हाँ अब तो तुझे लड़कियाँ सप्लाई हो जाए क्यों लड़कियाँ सप्लाई होजाद तो लम्स का दर्ज तो <laughs> लाइक हाँ मुझे पता भी नहीं था सप्लाई क्या, क्या कर, कर सकता <laughs> और हाँ, तो तो बहुत अजीब तो पताफ तो आदमी था तो लम्स में कोई कभी <laughs> अच्छा शरीफ <सुमें>। <laughs> कम... <laughs> लेकिन हादले तो नहीं थे <laughs>

चलो एक वो मैं समझती हूँ दस कौन बना रहे है? हाँ, दस दस झूठ है नौ थे हाँ बिल्कुल हाँ, एक दस्वार से रह गए ऐड कर दिया है हाँ, और एक और था कि ये तो कराची की सड़कों पे मिनी स्कर्ट पहन के घूमती है मैंने बोला काश हाँ। कि काश कराची इतना सेफ होता और हम लोग ये कर सकते आई वुड लव टू ऑनेस्टली आई वुड लव टू बट लाइक आई विश आई कोड बट आई वॉज एक कौन मतलब और ये बचपन की बात है जब मैं मतलब होती थी यूनिवर्सिटी में तब ये बात फैली थी क्योंकि मैं लम्स गई हुई थी तो वहाँ मेरी एक्चुअली कुछ दोस्तें ये बातें कर रही थी आज के एक बहुत uh -huh, अपने आप को फेमनेस बनाकर पेश करते हैं उन्होंने मेरे बारे में फैलाया था कि लम्स में इसकी गोदी में खेल रही होती है तो क्या हो रहे हैं वहाँ पे तो मैं ये समझ कि तुमसे पूछूंगी कि हैव यू गॉट इन दैट लम्स क्वेश्चन है ना अब कहते तो यार अच्छा या तो मतलब एक तो पहली बात है कि मैं तो थी भी बहुत ही शरीफ उस जमाने में ठीक है अगर हो भी रहा होगा तो मुझे इतना पता नहीं था मतलब मैंने सुना था कि हाँ बॉयज जॉन में मतलब पीपल आर ड्रिंकिंग इन दिस इन दैट जॉइंट्स चल रही हैं वो ठीक है तो मैंने बोला यार ठीक है चलता था थोड़ा बहुत मुझे पता था लेकिन इतना कोई क्रेजी सीन नहीं था कि हाँ भाई हर गली के नुक्कड़ में हमने सुना है कि पीपल वुड बी मेकिंग आउट और वहाँ तो सब खुला, खुला खुला ये वो मैंने बोला यार मतलब अरे लोग तो बहुत सी यूनिवर्सिटी है का को कोर्स होता है <laughs> मेरे तो क्रेडिट ही नहीं आते थे कभी मैं तो ये राइटिंग एंड कम्युनिकेशन पढ़ता रहा ये और जी वाला कोर्स मिस हो गया मुझसे अब सोचो यार तो ग्रेजुएट ही नहीं ग्रेजुएट नहीं होते बेटा जब तक वो कोर्स नहीं लेते तब तक ग्रेजुएट नहीं होते सी हैं पी ए है आप बोलते हो थ्री पॉइंट बोलते हैं बोलते है बोलते है नहीं बेटा सिक्स पॉइंट नाइन

यार हम तो जाते रहते हैं हमें तो पता है न मैंने कहा जाते हैं जा, <laughs> तो, उसने एक वैसे बहुत कमाल लाइन दी थी यही जो ट्रेन में लड़का था तो कोई वो बेचने आ रहा था उसने नहीं कोई और रहा था और वो यूं चढ़ रहा था ऊपर तो वो चढ़ते चढ़ते उसको पैर लग गया ना वो करीब सीट पे था उसको एक तो गरीब ऊपर से बदतमीज हाँ लाइक गोड़ यार गोड़ ये अच्छी इसने लाइन दी है कि अमीर तो बदतमीज होता कौन थे ये कौन प्रें, था रैंडम और कहा से कहा जा रहे थे तुम लाहौर कराची लाहौर से कराची आया तो लाहौर से कराची या कराची से लाहौर आया वो लाहौर ही था या कराची का था ये भी याद नहीं मुझे याद अच्छा, कराची ओ भाई जिस तरह बोल रहे हो हां वही कह रही हूं कराची टाइप मेरे ख्याल में जो पॉडकास्ट रेगुलर सुनते हैं आई फॉरगॉट कौन-कौन था हमारे साथ बट लम्स के ही बॉयज थे हां ये सारी स्टोरीज हमने सुनी बोला हां यार एकदम हमें भी ले जाओ भाई आगे आगे हमें, यार, हमें भी देखना। इन, इन गर्ल्स इन, कैसा है थोड़ा बहुत मिलते हैं कि सुना है, ये तो ये होता था विचार लोगों तो हर यूनिवर्सिटी में जितना होता है यार उतना होता था मतलब हाँ लेकिन बेचारे हमारे लम्ब को जो है ना बहुत बुरी रेपुटेशन दी गई जो बाहर से लगता है कि बस

कॉलेज कैंपस पे वो वीडियो ट्विटर पे वायरल हो जाएगी देखे लम्स में अभी इतना भी नहीं था यार हाँ। 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 होते थे ठीक हाँ। है वो तो एक्सटर्नल लोग भी आते थे आ, लोगों के पास गिटार होते थे तो रात को लोग गिटार बजाते हो रहा होता था वॉलीबॉल हो रहा होता था अरे वो अभी यही हुआ था ना रिसेंटली याद है हमारे यहाँ एक वो भी होता था जब सीनियर ईयर होता था तो हमारे वो पेंडू डे और यो डे और वो या, सब कुछ तो उस पर शादी कराते थे एक कपल की तो अब वो किसी ने की कि, हुई होगी शादी जो फ़न शादी हुँ, होती है उसकी रील बना के वायरल हो गई अब उस पर लोग पागल हो गए ये हो रहा है लम्स में पढ़ने जाते हैं या शादी करने जाते हैं शादी अब सेशन और ये मैंने बोला यार छोड़ दो यार यूनिवर्सिटी डेज़ कॉलेज डेज़ अब पाकिस्तान में हम शादी नहीं बनाएंगे तो क्या बनाएंगे थोड़ी

हम इंस्टाग्राम पे पिक्चर डालेंगे स्टोरी डालेंगे। जब गया था, हाँ, हाँ. तो मेरी दोस्तें टी शर्ट और शलवार में हाँ. मेरी दोस्त क्लास अटेंड करती थी हाँ, हाँ. मुंह नहीं धोया हुआ होता था मेरी एक दोस्त थी बिल्कुल. जिसको नहीं करना चाहिए मैं ये नहीं बोल रहा किसी को भी करना चाहिए बट हम सब ने मिलकर उसको एक दफा घीचड़ में फेंक दिया था कि खुदा के वास्ते अपने कपड़े बदला ले तुमने अच्छा दो के हफ्ते के लिए। से ये कपड़े नहीं चेंज किए आई थिंक तुम्हारा बैच थोड़ा कुछ ज्यादा ही होता हमारा बैच हाँ, भी ड्रेसअप होता था आई एम नॉट गोना लाइक बिकॉज़ इंस्टाग्राम आ चुका था ना Inz, तब तक लेकिन इंस्टा स्टोरीज नहीं आई थी स्नैपचैट आ चुका था चुक तो हम लोग स्नैपचैट लगाते थे लगा रहे होते थे ना हां पिक्चर्स तो लगाते थे बाहर तुम्हारा तो वो भी नहीं था आईफोन मेरे टाइम में आया है सही बात हमारे लिए कूल cool ये था कि आप आईफोन पकड़ो और यू करो ना जैसे लगता था बियर पी लिए गुड़ 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 वी थॉट द ये कौन cool the... सा आप यूं कर लो ना ओके तो बियर, अच्छा, so, वो बियर okay. का ग्लास खाली हो जाता था अच्छा बार बार आवाज भी आती थी आगे तो टेक्नोलॉजी जाएगी नहीं है

तो क्योंकि हमारा यही था ना कि वहीं पे दौड़ yes. में उठ के बस क्लास में पहुंचना है yes. तो और होता था, था कि क्लास के बाद चलो जाके चेंज कर लेंगे डॉर्म में अब वो तो बेचारे घर से आ रहे थे तो ऑफकोर्स वो तो तैयार व्यार होके और हमारे टाइम तो ये भी मसले नहीं थे ड्रेस कोड ये वो चड्डी चप्पल में नॉर्मल सब लोग क्लास में जा रहे तो अभी आ गया में। में बीच स्ट्रिक्ट कर दिया था आई डोंट नो कि अब वापस क्या है अच्छा बट हमें याद है कि जाते ही रमजान था तो हम पूरी रात जागे करते थे और अर्ली क्लास होती थी हाँ हाँ मरे वे लोग पजामों में स्पेशली अगर आठ बजे वाली क्लास है उसमें तो आधी क्लास आपको पजामों में मिलेगी ट्रैक्स हाँ, में मिलेगी तो, मिले तो फर्क था ना कि आधी क्लास ऐसे आती थी फिर लाहौर से मुंह ब्लीच हुआ हुआ ये गोल्डन दाड़ियां चमक रही सूरज में या या दैट डिस्टिंक्शन वाज ऑलवेज देयर द कराची वर्सेस लाहौर डिस्टिंक्शन

मॉर्निंग सनलाइट अच्छा अच्छा हाँ। ये थोर कहा से नहीं, मैं तो मैं तो वही ब्यूटी <laughs> 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 मैं तो ब्यूटी स्टैंडर्ड बिकॉज आई नो उसको लग रहा है वो सुष्मिता सेन लग रही है असल में थोर लग रही है <laughs>

बट नो ऑनिस्टलीस गर्ल्स टू अचीव दैट ब्यूटी तुम कह रहे हो ब्लीच वाला पूरा वाइड किया वो क्यों है वही लाइट स्किन बाल ब्लाउंड होंगे तो आप खूबसूरत लगेंगे आप ब्लीच mm. कर, कर के बाल ब्लाउंड करें दैट्स माई ओनली इश्यू हाँ

हॉटस्पॉट के बाहर होते भी नहीं थे आए थे नहीं होते थे उधर अच्छा दैट वाज द पॉइंट टी ब्लॉक पे जो था हाँ हाँ समझ के जो सामने था उसके बाहर सारे लाहौर के पड़े वहाँ पे रुके अच्छा। थे वो नहीं किया मैंने

कौन से दोस्त एक सारे? हम लोग जब नथिया गली गए थे हम सारे हाँ उठा के मुझे जेल में डाल दिया वहाँ कौन तुम्हारे पीछे पड़ गया था वह वहाँ भी भी पीछे पड़ गए थे क्या कर रहे तुम शायद तुम जरूर कुछ भी नहीं कर रहा था उस वक्त तो <laughs> फेस उस वक्त तो हाँ उस वक्त कुछ नहीं कर रहा था बाकी फेस

और उस टाइम और कुछ नहीं रात को खुला होता था hmm. वो होता था या लिबर्टी पे पराठे मिलते थे और hmm. रोल मिलते थे hmm. तो हम लोग वहाँ जाते थे कुछ वो ऑल नाइट ट्वेंटी फोर आवर्स होता था हमें तो, तो दिन पे. के वक्त खोला रोका था भाई <laughs> दिन के वक्त खोल था <laughs> तो तो था लोगों ने दिन के वक्त रोका था दिन के वक्त और आई रिमेम्बर हम किसी काम के लिए जाया था नो वी हैड सम सम टू डू प्रोजेक्ट और और समथिंग दिन दहाड़े तो नया नया हाँ। हाँ। उनकी जो पार्किंग है ना वो उनके पीछे थी ओके तो उस टाइम वहां पे कुछ भी नहीं होता था हाँ, खुला था मैदान और वहाँ सब गाड़िया पार्क करते थे कोई नहीं करता था वो मेरा स्पॉट था ओहो तो मैं जाके वहाँ रात के टाइम

नहीं मैं आपको बता रहा हूँ गन पॉइंट हुई भी है और एक दफा उनमें मुझे ये नहीं लगा कि मुझे पे गोली चलेगी। अच्छा। हर दफा मुझे मुझे गोली चल सकती है मतलब यूं गन पॉइंट हुई हुई है फील हो रहा है मजल और ये तो फालतू डिफेंस मोड पे खड़ा हुआ आया सीधा डायरेक्ट गन और मेरी आंखों में देखना शुरू हो गया मैं उसकी आंखों में देखना शुरू हो गया होम माई गॉड बट आई थिंक ये एक नेचुरल चीज़ है ना लाइक लोग कहते हैं कि यू आर मोर फियरलेस वैन योर यंगर एंड देन एज यू ग्रो ओल्डर यूर मोर वर्स टू टेकिंग रिस्क फीयर ज़्यादा आ जाता है आपका एडवेंचर स्परिट भी आपके अंदर एडवेंचर स्पिरट भी कम हो जाता है यू नो तो इट इज़ अ थिंग बट आई फील लाइक मैं जब छोटी थी ना मैं ज़्यादा फट्टू थी मुझे ये फील होता है आई फील लाइक वैन आई वॉज यंगर आई वॉज़ वे मोर फट्टू एंड लाइक like, नहीं 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 ये नहीं करना वो नहीं करना यू नो कि कुछ गलत हो जाएगा ये हो जाएगा नाव आई फील लाइक आई एम मोर फीयरलेस लाइक मुझे एटलीस्ट अपने में ये लगता है आई थिंक like, हाँ, हो सकता है डेफिनेटली बिकॉज यू आर सो प्रोटेक्टेड यू एन बबुल यू नो लाइक बिकॉज इट्स सो इंटरेस्टिंग बिकॉज अपनी भी पॉडकास्ट में जब हम काफ़ी गेस्ट को बुलाते हैं कभी mm. कभी जब मेल गेस्ट होते हैं तो उनका जो एक्सपीरियंस है कराची का

Uh, या तो जैसे पटाखे वो बात कहते हैं कि हमने पटाखे पाड़े हुए एज अ गर्ल आई नेवर गॉट टू डू पटाकाज यू नो हाँ मतलब लाइक गर्ल्स इतना नहीं करती थी ना यार उन्हें गलियों में घूम रहे हैं यहाँ चले गए वहाँ चले गए तो कोर्स गर्ल्स पर रिस्ट्रिक्शन होती थी कि भाई मगरब से पहले अंदर आ जाना यहाँ नहीं जाना दूर ना जाना ये वो तो ये मुझे फ़ील होता है कि um, कितना डिफरेंट है यार गर्ल्स और बॉयज़ का एक्सपीरियंस ऑफ लिविंग इन एनी सिटी लाइक कराची स्पेशली लाइक मुझे ये अभी रियलाइज़ हो रहा है कि यार हाँ कि गर्ल्स कितनी हम लोग प्रोटेक्टेड हाँ होती हाँ हैं शेल्टर्ड होती हैं बबल में रखा जाता है विच इज यू नो लाइक सैड बिकॉज आई वुड लव टू मैं ग्रामर में सिर्फ ए लेवल्स में गई थी उससे पहले तो मैं सिटी स्कूल द रक्षा कैंपस डी के

अच्छा ये सबसे बड़ी डिबेट होती थी कि ये डीके की स्टोरी या पीएफ चैप्टर की स्टोरी है, की स्टोरी है। हाँ, ये सबसे डिबेट बड़ी डिबेट थी। ये रहती ये थी।, थी कि पीएफ एफ चैप्टर कहते हैं ये डीके की डीके हाँ, थे हाँ, पीएफ हाँ, की हाँ. है। फिर बीच में आया नहीं ये तो हाला ब्रांच की स्टोरी हाला है नहीं हाली हाली ब्रांच ब्रांच हाँ हुआ था अच्छा हमारी एक दोस्त हुआ करती थी जिसकी अम्मी हमारी हेडमिशेस थी तो हमने उससे इन्फॉर्मेशन निकलवाई कि भाई तुम तो अपनी अम्मी से पूछो कि हमारे स्कूल में हुआ भी है या नहीं हुआ है तो शिव नहीं हुआ है तुम लोग बताओ कौन सी लड़की है जो नहीं आ रही आजकल क्लास में टेल मीज एनी गर्ल मिसिंग बिकॉज अपेरेंटली वो कोमा में चली गई थी उसकी डेथ हो गई थी स्टोरी में जो था। में तो लड़का जब उसको पता चला हाँ, तो वो वो कोमा में हाँ। हाँ। और, वो और लड़की का भी स्कूल देते हैं जो कुछ होता कोई आप जानते हो ऐसे कोई लड़का लड़की को जो बहन भाई हो इस ग्रेड में हो लड़का स्कूल नहीं आ रहा और लड़की स्कूल हाँ ऐसा तो कोई भी नहीं है किसी को भी नहीं पता तो उन्होंने कहा भाई हमारे ब्रांच में नहीं हुआ है ये फिर हमने कहा अच्छा ये तो पी चैप्टर की जरूर होगी ये तो फिर पी चैप्टर में भी सब बोले यार ऐसा तो कोई भी नहीं है हमारे यहाँ उसी तरह की अर्बन आ, अर्बन अर्बन प्लस आपने सिटी स्कूल लगा दे, लो बोला होगा किस <laughs> तो कि you know, तरह एक, का वो टॉर्चर सेल चेम्बर बनाया हुआ था अच्छा और पता है फनी चीज क्या हुई थी जब ये पूरा रूमर फेमस हुआ था ना उसी के एक आध साल बाद हमारी सेग्रीगेशन हो गई थी क्योंकि सिटी स्कूल अरक्षा कैंपस वोज को तीन साल जूनियर है तो ये मेरे टाइम से चल रहा है सो इट वॉज

पीसीएचएस गर्ल स्कूल जो है हम अह आई यूज्ड टू लिव क्लोज और ये पूरे मोहल्ले में फेमस था कि बरोबर रात को आप ना जो वेस्ट वाली दीवार है पीसीएचएस उससे क्या पलंग के अंदर चले नहीं आप नीचे ही खड़े हो और ऊपर आएंगी है? ऊपर आएगी क्या मतलब चुड़ैल है क्या नहीं नहीं, नहीं। <laughs> आप देखो ना फिर वो बुलाएगी रात को तो भाई स्कूल में रात में कौन होगा वही <laughs> यार क्या ये हुई। है हुई। तो ये तो स्कूल बस आपको द... hmm. basically. आप बस आपको मिलेगा आप खड़े हो जाओ hmm. रात को जाके hmm. कोई ना कोई आएगा बोलेगा hmm. दिन में PCHS, रात में रात पीचेस <laughs> यार ये रेपुटेशन है मेरा तो एक दफा लम्स के लाहौर कोर्ट का चीफ जस्टिस रह चुका है मतलब पढ़ा लिखा कोई बेवकूफ आदमी नहीं

आंटी ने पूछा कहाँ से आ रही है मेरे ख्याल से ये हर जगह हाँ, इट्स so है कि बस कि बस किसी स्कूल को बदनाम कर दो किसी कॉलेज को उनपे डाल दो लाइक इट्स सो वियर्ड हाँ सेंट जोसेफ के बारे में तो मशहूर है कि कैंियां चलती हैं हाँ यस यू राइट वहाँ पे तो सबको उन्होंने और केनेट कॉलेज में भी मुझे याद है जब हम से पढ़े तो सब कहते कि मुल्क में वो पढ़ रही है exactly, वो, वो, उन... वो, वो गाना सुना है ब्या ने जेड़े लड़की नो स्कूल भेजो और डस करती है डानस करती है नहीं सुना नहीं ओह हो यार ये बड़ा नया हमारा आतिफ असलम आया ये इस तरह के गाने बनाता है इसका एक और भी गाना था कि जरा औरत की कमाई खाए ओ कंजरा सही इस सारी इसकी यही इसके पूरा म्यूज़िक कैटलॉग ये है कि और लोग तो कह रहे, हैं। सही रहे हैं। हाँ, हाँ, उसकी तो आवाम हाँ। भाई लोगों ने भरी भी होगी यूनिवर्सिटी के फेस्टिवल्स इवेंट जिसमें डांस हो रहे हैं ना उसकी क्लिप्स निकाल के इसका गाना डाल के डांस करते शुक्र करो हमारे टाइम ये नहीं था यार oh नॉर्मल सोचो कोई प्ले व्ले कर रहा है उसकी वीडियो तो ये ये गाने में हमें नजर आ रहा है बट ये फिलोसफी हमारी यही है हाँ। कि स्कूल अगर जा रही हैं लड़कियां पढ़ रही हैं तो ये डांस करती हैं ये फैशन शो करती है exactly. और तो just... माँ बाप बस लड़ते ही रहते होंगे ना बच्चों के क्योंकि खाली कैंची चलाओ तो ये मसला है कि लड़ाई होती हैं घर पर सुना है यही हमने बचपन में सुने कैंची नहीं चलानी चाहिए वो तो फिर बच्चे वो तो लड़ते ही रहे सारा वक्त वो तो तो काम ही खत्म कर दी थैली में, में पेप्सी देते बताओ यार जिस तरह की थैली में तो पेप्सी मिलती हाँ, थी, हर जगह मिलती हाँ। थी तो इसका उससे क्या कुछ है? बना दिया लोगों ने यार कनेक्शन लोग लोगों के जो मुंह में आए जो रूमर्स बस फैलाते रहते हैं बोलते

देखो मैं मैं हूँ आई थिंक या आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ माई ब्रिंगिंग वे वी लाइक माई पेरेंट्स प्रॉब्ली कैप मी शेल्टर्ड फिर उसके अलावा मेरे दो बड़े भाई थे तो आई थिंक देवर ऑल्सो वेरी प्रोटेक्टिव ऑम और मैं वही कहूँ ना कि मैं बचपन से ही पट्टू होती थी मैं तुम्हें बोल रही हूँ लाइक आई वॉज अ वेरी गुड किड आई वॉज अ नर्ड हमेशा क्लास में फर्स्ट आना आई वॉज अट हाँ हाँ सही बात है सही बात है तो हाँ तो प्रीफेक्ट थी डेप्यूटी हेड गर्ल हमेशा फर्स्ट आना और क्या कह रहे हैं तो आई वॉज ए बिग नर्ड और मतलब ठीक है पार्टीज वार्टीज पे जाती थी बहुत फ्रेंड्स थे मेरे आई वो सोशल प्लान्स पे जाती थी परमिशन मिल जाती थी हाँ। अच्छा मेरे मूव भी ये नहीं कि स्ट्रिक्ट थे आई थिंक दे वर मोर आई थिंक प्रोटेक्टिव ऑफ मी आई कैप्ट मी लाइक सेफ फ्रॉम ऑल ऑफ दिस बट देट स्ट्रिक्ट लाइक आई है हाँ। हाँ। like, हाँ। like, दोस्त तो अपने बच्चों की शादी में भी बुलाते होंगे कुछ हमारे दोस्त सत्तर साल तीस साल कुछ तुमने तो दोस्त तब बनाए थे ना जब वो तीस साल के थे तुम पांच साल के हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल तो तुम पंद्रह हुए तो उनके हाँ, तो, हाँ, हाँ तो मैं अपने दोस्तों की <laughs> मैं उनकी नो मैं तो की गॉड तो मदर बन चुकी हूँ उनकी, <laughs> उनकी मैयतों पे जाती होगी आजकल जो आ उनके बच्चों की मैं गॉड मदर बन चुकी हूँ यू नो तो या सो आई डू आई हैव बीन रियलाइजिंग इट आई थिंक एज आई ग्रो अप आई बीन रियलाइजिंग हाँ यार मैं बड़ी शेल्टर थी एक्चुअली हम खावातीन को जब पाकिस्तान में डिस्कस करते हैं तो कहा जाता है हसो मत रो मत नहीं रो भले हाँ नहीं रो हाँ, रो, हाँ, रो तो ज़रूर रो तो ज़रूर तो, तो ज़ोर <laughs> से मत हसो लेकिन तो उसमें एक अम्तुल बेवजह कैसे बनी कि क्या व्हाट व्हाट डू यू फील लाइक वाज़ यूनिक अबाउट यू आर अप्रिंगिंग अबर्ट जोर पेरेंट्स और फैमिली डू राइट जिसकी वजह से यू वलाउड टू बी विच आई फील लाइक मोस्ट गर्ल्स इन आर कंट्री नॉट हाँ दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन अगर आप सुन रहे हैं आपकी तारीफ है आ, है। <laughs> और मेरे बाबा को पता है <laughs> उनकी <laughs> मैं बहुत पॉडकास्ट और इंटरव्यूज में तारीफ़ कर चुकी हूँ <laughs> यार मैं वही कहूँगी ऑफकोर्स अप ब्रिंगिंग का बहुत बड़ा हाथ होता है एंड आई थिंक वन थिंग दै आई वुड से इज़ के माई पेरेंट्स कैप्टन ओपन कम्युनिकेशन विद मी यू नो आई विल गिव प्रॉस टू माई डैड फॉर दैट फॉर शो ही ऑलवेज़ कप्टन ओपन कम्युनिकेशन कि यार अगर मुझे किसी चीज़ की परमिशन भी लेनी होती थी ना ही वुड भी लाइक ओके लेट सेट डाउन कन्विंस मी लाइक यू नो वाई डू वॉन्ट टू गो एंड आई वुड लिट्रली लाइक कि ये 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 you know, going, ये 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 यू नो आल माई फ्रेंड्स अ गोएंगे आल बी रिस्पॉन्सिबल मैं इतने बजे आ जाऊँगी ये टीचर का नंबर है ये फ्रेंड का नंबर है इवन ये लाइक ओके यू कैन गो यू नो या अगर मुझे कुछ करना होता था Hmm. You know, so you know, अच्छा, you know, जिस तरह जि, जितने लोगो को मैंने थियेटर सिखाया वो हाँ. सब मिलकर मुझे छोड़ के जब जर्मनी चले गए बिल्कुल जिसमें सब मेरे इसका भी के मैं हाँ इसका भी मैं बैकग्राउंड दे दूँ सब मुझे छोड़ के हजरत मुझे छोड़ कर हम एक कम्युनिटी uh, uh, अच्छा, क्या वो डिस्कस <laughs> वो हो गया वो अकबर ने अकबर पहुंच भी गया हम क्या बातें कर रहे हैं हाँ तो हाँ तो एक तो ये बात एंड सेकंडली लाइक माई डैड हैड अग रोल टू प्ले इन दैट दैट ही वॉज वेरी ओपन माइंडेड ही लाइक कि यार जो करना है करो यू नो एक्टिंग करनी है एक्टिंग करो कॉमेडी करनी है कॉमेडी करो यू नो डिबेट्स एंड लाइक इवन माई मॉम दे पुष मी टू यू नो बी एन ऑल राउंडर दे वर लाइक यार एक्टिविटीज़ में पार्ट लो एक्स्ट्रा करिकुलर में जाओ यू नो यू शुड डू एवरी थिंग जिस जिस में मज़ा आता है दिल चाहते हैं दे रियली पुश मी इन दैट कि ट्राई डिफरेंट एक्टिविटीज़ यू नो मेरे जितने भी फ्रेंड्स होते थे दे वुड मीट ऑल माई फ्रेंड्स देर पेरेंट्स मेक श्योर यू नो घर पर आ रहे हैं वो मुझे ड्रॉप कर रहे हैं पिक एंड ड्रॉप कर रहे हैं जहाँ पे भी प्लान पर जाना है कभी ये नहीं होता था कि क्यों उसके घर क्यों जाना है

हाँ। नहीं ऐसा ऐसा <laughs> बिल्कुल अच्छा ऐसा हाँ। ऐसा मुझे <laughs> बताएं ये तो आपके घर का हाँ। हो गया फिर आप स्कूल गई होंगी हाँ। जहां बाकी लड़कियों ने बोला होगा हो oh, you you you... अच्छा, तो हो ना नहीं मैं बताऊँ इंटरेस्टिंग बात क्या इंटरेस्टिंग बात की गुड स्टूडेंट सही है तो मैं अच्छा पढ़ रही हूँ प्रीफेक्ट भी हूँ तो टीचर्सोपी विद मी क्या अच्छा तो पढ़ रही है ना दो आई वॉज वेरी नॉटी ये नॉटी वाला जो थिंक क्लास सिक्स सेवन के बाद डिवेल्प होना शुरू हुआ था तो मेरा मैंने अभी रिसेंटली डिस्कवर कर लिया मेरे बचपन के ना कोई रिपोर्ट कार्ड हाँ मेरा भी सब मिल मे

एक टाइम में दो कैसे यहाँ से स्ट्रिप yeah. लिख रहे हो और यहाँ पे पॉडकास्ट रिकॉर्ड रिकॉर्ड कर या नो लाइक लिटरली एट द सेम टाइम तो नहीं हो सकता लाइक एक्चुअली या 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 गिव मी एन एग्जांपल लाइक फॉर इंस्टेंस अगर मैं आ, हमारे कोई गेस्ट आ रहे हैं hmm. कोई पॉलिटिशियन आ रहे हैं hmm. तो मैं उनकी पॉडकास्ट सुन रहा हूँ hmm. टू प्रिपेयर की अच्छा यार आ रहे हैं तो economic, मैं सुन लू देख लू सही. इनके लेक्चर सुन लू एंडलीस राइटिंग माई और गेटिंग बैक टू पीपल तो पॉडकास्ट अच्छा नहींपल आर लाइक तुम करते क्या हो तुम्हारी एक पॉडकास्ट हिटलर पे आ रही होती है एक सारा दिन करते क्या हो सो दिस

ओके okay. जैज में इतनी वेरिएशन होती, होती है, है कि वो exactly. थोड़ा बहुत मेरा दिमाग ऑक्यूपाई कर लेता है ah. ताकि मैं लिख सकूं और फिर फोकस कर, कर सकूं इंटरेस्टिंग सो आई कांट डू लाइक व्हिच इज व्हाई आल्सो लाइक सिटीज इज व्हाई आल्सो यूज्ड टू लाइक न्यूयॉर्क में आप जाके

अच्छा मेरा लिखने वाला मसा कि मैं एक चीज़ करूँगी आधा घंटा करके ना बोलूंगी नहीं मुझे ये वाली चीज़ वो करनी वो है वो करूँगी अब कहूँगी अच्छा नहीं बिकॉज like, yeah. मुझे उससे ना उलझन होने शुरू आती yeah, है कि same. थोड़ी देर बाद फिर मैं कुछ स्क्रिप्ट लिखने लगूंगी फिर आई अटेंड टू माई टू एडिटिंगली स्टॉप Hmm. और वो भी अब नहीं होता कि यार जिस तरह मैं पॉडकास्ट भी कर रहा हूँ स्टैंड अप भी लिख रहा हूँ hmm. और चीजें भी अपनी लिख रहा हूँ hmm. और चीजें भी कर रहा हूँ एक और सीरीज भी आ रही सही. है आ, तो वो अभी भी छह चीजें मैं एक साथ कर रहा हूँ हाँ. और सारी जिंदगी मैंने यही की सेम be doing the same thing

Different worlds I'm occupying, hmm. so it is not easy it to switch switch hmm. in the day itself. तो मैं अब मेरा जो future plan है वो यही है कि मैं Monday to Thursday podcast करूँ और Friday Saturday Sunday सिर्फ on comedy करूँ। तो मेरा अब ये new lifeline ये है कि four three divide करके अपनी ज़िंदगी चलाऊँ। सही है that yeah. that's a good I think yeah, balance. Yeah. If so that works for you, so good. I do feel that's a better way to work than doing both on the same day.

बट दैट आई don't ओनली डू फॉर अच्छा तो उसके लिए तुम पूरा लाइक वीक या पूरा मंथ डेडिकेट कर दोगे इंटरेस्टिंग हाँ बट

Authority to say yeah, anything a to a me. Sheet. Yeah, I still don't. Mm. Like, I don't take any kind of criticism or feedback from my friends. I don't. I just feel like I don't want to give that power or that authority to anybody else. I think the only people I do take criticism or feedback is my husband and my parents. That's it. So I feel like I don't know if it's, I don't know like how it comes across to my friends. Like, is it a clear boundary that I've created? I don't know if they know that or not, but. I know that I've never gotten it from I my mean, friends. Sometimes it comes out of care also, right? Like, like we've both been in toxic situations where hmm. both of us were foolish with certain people. Haan. Haan. So you need a friend's voice to be like Haan. yeah. Yeah. I yeah. I ki perspective voice. <laughs> hun, Actually you're right. You know what? अच्छा पर्सनल लाइफ में मुझे मिले हुए हैं अब तुमने जब ये याद दिलाया कि व्हेन आई वाज विद अ सर्टेन टॉक्सिक पर्सन उसके बाद भी आई वाज विद अनदर पर्सन बिफोर फ़ाहद तो उस पर मेरे फ्रेंड्स ने बोला था कि यार लाइक वी फील लाइक यू रशिंग इन टू इट यू नो लाइक दिस पर्सन डजन सीम राइट फॉर यू सोच लो देख लो और आई गॉट अ लिल डिफेंसिव ऑल्सो बट दैट काइंड अट डिड ओपन माई आईज सो आई फील लाइक यस पर्सनल चीज़ों पर माई फ्रेंड्स हैव गिवन मी लाइक यू नो परस्पेक्टिव फीडबैक बट आई थिंक करियर वाइज और वर्क वाइज नवर देस बीन वेरी लाइक प्राउड ऑफ मी एंड लाइक ऑलवेज अप्रीशिएटेड इन एवरी थिंग एंड आई फील लाइक आई डोट नो या आई थिंक अगर कभी उनको क्रिटिसिजम mm -hmm. देना भी होगा आई थिंक आई हैवेंट एवर हैं भी तो इतनी कूल और हॉट और मैच <laughs> <laughs>

तो मैं जो हम उसपे भी डिबेट कर रहे थे फेम वर्सेस सेलिब्रिटी फेम वाला मेरा सीन है ही नहीं राइट वो कुछ लोग कॉमेडी से जानते हैं कुछ लोग थिएटर से जानते, है, कुछ से जानते, जानते हैं कुछ लोग स्लो ड्रिप 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 ड्रिप

अगर वो जो एक स्लो ड्रिप ड्रिप जिस तरह गेमो थ्रो बोलते हैं पेट दी आयरन प्राइस तो वो फर्क वैसे ही नहीं पड़ता पर उसके अलावा भी मेरे जो क्लोजेस्ट दोस्त हैं जिस तरह पहले लम्स में आमना थी अहमद खान था फिर जबीर है वो मुझे इतना शिट ड्रीच करता

i think amara career waisi इतना different है yeah. from the majority of the yeah. people or even from majority of our friends like i have very few friends yeah. like almost none जो um towards content creation gaye ho ya comedy gaye ho acting gaye ho you know um but तो of course is field mein aake maine dows banaye you know like yeah. you Faiza ali you know all of these people to तो, but jo mere pehle se jo dost the none of the people went in this direction you know so i feel like तो कभी कभी मुझे भी होता है कि जो ग्रेजुएट एंड यार शहजाद लम्स की डिग्री जला सकता है तो मैं भी जला सकती हूँ ज्यादा खुश मत तुम तो बिल्कुल मेरे पाथ आ, वो आइडल नहीं था। पाथ ब्रेकर था मैं ब्रेक नो होते ही एज usual लाइक एनी अदर ग्रेजुएट कोई आइडिया नहीं था कि क्या करना है यू नो मैंने किया था एंसरपोलोजी ठीक है उसमें मैंने कहा चलो आई वॉन्ट टू गो आई गो सोशल डिवेलपमेंट सेक्टर तो उसमें यही मैंने डिफरेंट एन जी ओ सोशल ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई किया अमन फाउंडेशन में, में hmm. मेरा हो गया वहाँ पे मैंने जॉब की आई लाइक इट आई और साइड पे मैं यही कर रही थी लाइक कॉमेडी कॉमेडी थिएटर शॉर्ट फिल्म कर ली पहले क्या किया so you graduated 2015 right? 14 14 क्रिएटिव, क्रिएटिव उसमें या आई वॉज डूइंग प्लेटून मैंने ज्वाइन किया था इम्प्रोव ट्रू प्लेटून सो वो मैंने क्या था ट्वेंटी फोर्टीन था या फिफ्टीन hmm. था आगे पीछे इस समे अलोंग दिस इयर्स तो वो मैंने किया एंड देन आई डिड रंग राज द शॉर्ट फिल्म विद माय फ्रेंड हमजा बंगश उसके बाद मैंने um, ग्रीस किया ट्वेंटी में yes.

फिर मैंने एक और थिएटर प्ले किया कॉल हसीन

अच्छा तो मल्टीपल थिंग्स तो भाई मैंने साढ़े तीन साल ये नौकरी की नाइन टू फाइव टिल ट्वेंटी सेवेंटीन लाइक एंड ऑफ ट्वेंटी सेवेंटीन उसके दौरान ये हुआ कि मैंने फिर कॉमेडी वीडियोस बनाना शुरू की एक मतलब एक आती लाएगी बहुत कंसिस्टेंटली नहीं बट अ कपल ऑफ देम दे डिड रियली वेल सो अच्छा और उसके साथ साथ मैं आई वॉज ऑल्सो ट्रेवलिंग अलॉट यू नो मतलब सोलो ट्रैवल्स बाकू बाली चली गई टर्की अमेरिका भी गई कपल ऑफ टाइम्स तो मैंने इंस्टाग्राम पर भी ना लाइक उस वक्त तो वीडियोज़ थी नहीं इंस्टाग्राम पर तो आई वॉज डूइंग फोटो ब्लॉगिंग लाइक पिक्चर लगा के लंबे लंबे आर्टिकल्स नहीं लिखते थे हम लाइक डिस्क्राइबिंग एंड एक्सपीरियंस ज्यादा सोलो ट्रैवर तो वो yeah. हुआ उस पर अच्छा रिस्पांस मिलना शुरू हुआ एक आधा फनी वीडियो लगाई तो उस पर सबसे ओके मे बी दिस कैन बिकम समथिंग

पानी में भी तुम लोग आ रहे वो yes, था। yes, और क्योंकि उस जमाने में कोई इतनी ट्रैवल ब्लॉगिंग yeah. हो नहीं रही थी सेकंडली कोई कपल इस तरह नहीं कर रहा था yeah. तो अ तो तो वेरी वे फ्रेश पर हमने ये 2017 में बनाई थी तो ये हमने बनाई इट गॉट अ रियली गुड एंड वी वर लाइक यार ओके दिस हैज पोटेंशियल लेट्स डू टुगेदर तब फिर हमने पतंगीर स्टार्ट किया लिटरली एक दो विडियोज़ ही बनाई होंगी ट्रैवल ब्लॉग एंड एवरी थिंग उस दौरान दैन आवर्स है ओके यू नो वट लेट्स गिव पतंगी अ चांस लेट्स ट्रीटेड लाइक बिजनेस लाइक स्टार्टअपेट एन ऑफिस स्टूडियो इसको प्रॉपरली करते हैं यू नो और उसके साइड बाई साइड मुझे यही था कि आई विल कीप डूइंग माई कॉमेडी एंड एक्टिंग एंड ये सब कुछ तो फिर मैंने ट्वेंटी सेवनटीन सेप्टेम्बर में क्विट किया उसके बाद भी ऑफकोर्स क्विट करने के फौरन बाद भी लाइक यू नो आई आई क्रिएट अ सेफ्टी नेट फॉर मी तो मैंने दो तीन एक्ट दो तीन जो है ना सॉरी टीचिंग जॉब्स ले लिए कि थोड़ा बहुत यू नो एक स्लो एक वे ऑफ हो यू नी कि एकदम से ही आप फ्री <laughs> लासर बन गए और यू you नो know, तो फिर आई स्टारे टीचिंग थिएटर इन द मिडल मैंने तीन अलग अलग स्कूल में थिएटर वर्कशॉप्स दी उनके स्कूल <laughs> के प्लेस बच्चों के साथ डायरेक्ट किए वो सब कुछ किया <laughs> और थोड़े से एक्टिंग जॉब्स भी मैंने लाइन अप कर लिए थे कि यार एक एक यू नो आई हैव समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू एज आई क्विट वो सब किया और तब भी आई गॉट लाइक कोल्ड फील मैं आई वेंट बैक टू अ जॉब बट वो एक महीने किया और मुझसे नहीं हुआ लग आउ लग आउ स्पीकिंग मतलब मैंने चार पाँच महीने मैंने mm. ये सब किया टीचिंग वीचिंग एंड एंड माई पेरेंट्स वर लाइक आर यू डूइंग विद योर लाइफ लाइक वो भी कंसर्न थे कि यार तुम मतलब बारह बारह बजे उठ रही हो अब तो तुम्हारा कोई स्केजल ही नहीं है कोई डिसिप्लिन ही नहीं है यू uh, नो you know, बस दो तीन क्लासेज होती हैं वीक की फिर कभी एक्टिंग हो रही है कभी रिहर्सल हो रही है लाइक वट द प्लान प्लान लाइक इट आउट फिर मैंने कहा अच्छा अच्छा फिर से जॉब कर लो फिर मैंने बीच में एक दो जॉब की फिर एक दो महीने के लिए हुई थी वोना नो नहीं हो रहा मुझसे ओके यू नो वट आई एम कमिटेड तब मुझे क्लैरिटी हो गई कि यार अब आई कैन नॉट गो बैक टू अर जॉब और फिर ये हुआ कि यार पतंगीर को करते हैं पतंगीर डिज यूज गेट एन इन बिकॉज वेरी अर्ली ऑन एडिटर got Haan. like nice equipment. नहीं no, equipment भी बहुत slowly slowly. यार ये सब कुछ self funded है. Office था? office भी use very nicely made office. हाँ. Sure everything cost में. Of so, course. So that leap of faith. हम्म. Hmm. जिस तरह even with P E right hmm. like to this day हमारा कोई full time staff नहीं है. हम्म. Hmm. Uh, freelance इधर उधर hmm. and I keep mulling के ke, यार एक office space होनी चाहिए. हम्म. Hmm. But then I'm always like या mm, 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 yeah. कल भी वो yeah. आके बंद कर दी मेरा तो एक वो भी मसला है बट व्हाट मेड यू बी लाइक यार करना है तो हाफ ऐस तो नहीं करना लेट्स गेट अ स्पेस लेट्स पुट इन द मनी लेट्स गेट इट वो एक किस तरह लाइक व्हाट वाज द थॉट प्रोसेस आई थिंक थॉट प्रोसेस ये था कि एक तो हमें बहुत ही क्लियर जो है ना वो दिख रहा था वैक्यूम एंड लाइक वी वर वेरी क्लियर अबाउट द कि यार ये चलेगा लाइक आई थिंक वी जस्ट हैड

we feel like the the idea we have जो हम करना चाह रहे हैं it's gonna work I think पहला ये था और second I don't know like we were just like कि यार करना है तो all in करना है वरना we will never know कि इसकी actual potential क्या है half as करके कैसे वहाँ चलेगा hmm. और of course शुरू किया हाफ़ ये नहीं है कि पहले दिन से ही हमारे पास ऑफिस था दे वो डेज वेन वी एडिटेड आउट ऑफ लाइक फ़हद होम और माए होम और उसके घर का पी सी यूज़ करके बीच में उसने अपनी खाला के पी सी पे एडिट किया यू you नो know, और बीच में वो भी एक एजेंसी पर जॉब कर रहा था सो वहाँ एजेंसी पर एडिट कर रहे हैं फिर वहाँ पर एडिटर्स hmm. थे तो उनसे दोस्ती हुई तो दे टार हेल्पिंग अस ऑल्सो के यू नो ओके वी नीड सम हेल्प हमारी वीडियोज़ पर काम करो उन्होंने फ़हद को काफ़ी सिखाया फाहद मेनली एडिट करता था तो देन ही ऑल्सो यू नो

यू uh, नो you know, उसके बाद हमने पहले लिया ड्रोन अच्छा ट्वेंटी सेवेंटीन में ड्रोन बड़ी नई चीज़ आई थी और लिटरली इट वॉज सो न्यू कि वी वॉन्टेड इन अमेरिका जब फाह वहीं पर था hmm. हमने लिटरली आई रिमेबर व थाउजेंड डॉलर एंड फाह वो लाइक आई विल पुट फाइव हंड्रेड एंड यू पुट फाइव हंड्रेड एंड वी वो लग ठीक है तो वो ही पैसे hmm. जमा कर करके कर <laughs> <laughs> हाँ, और वो वहाँ पे लिटरली डूइंग मल्टीपल जॉब्स यू नो लाइक वो एक एरिया सेल्स मैनेजर था पढ़ भी रहा था और एंड में एक और वो ऊबर भी चला रहा था यू वॉज डूइंग ऊबर ईच की डिलीवरी wow. तो लिटरली लाइक ही हैड लाइक लाइक स्टैक्स ऑफ डॉलर बिल्स उसको टिप में मिलते थे ये जब, बोला उसने तो अरे ऊबर से आए हैं ये स्टैक

तो लिटिल लेवल द जोक और मैंने नाइन टू फाइव जॉब थ्री एंड हाफ ईयर्स के लिए की हुई थी तो अच्छी खासी सेविंग्स उसमें भी थी तो यू नो स्टोरी सोलह करके अपना इक्विपमेंट हमने ख़रीदा ड्रोन खरीदा गोप्रो hmm. खरीदा मैंने डी एस एल आर पहला हमने मेरे अब्बू से बोरो किया मेरे अबू के पास एक डी एस एल आर था hmm. कैनन का कोई था लिटरली सबसे बेसिक और एक ट्राईपॉड था मेरे अब्बू के पास वो हमने उनसे बोरो किया एक साल तक हमने वही चलाया यू you नो know? hmm. तो ये हमारे टोटल इक्विपमेंट था पहले एक दो साल और ऑफ़ um, कोर्स हमने भी वर्क आउट ऑफ कैफेज़ वर्क आउट ऑफ माई होम हिज होम उसकी जहाँ एजेंसी में वो काम करता था वहाँ पे तक हमने पतंगीर की एडिट्स किए हैं यू नो तो इस तरह ग्रेजुअली देन जब हमें यकीन हो गया कि आज हमने दो तीन वीडियोस बना ली हमें काम आना शुरू हो गया शुरू से ही यू नो इवन वो यूएसए वाली जो वीडियो थी उसी पे उसी की बेसिस पे हमें दो तीन प्रोजेक्ट्स मिल गए लाइक पेड प्रोजेक्ट्स यू नो एंड वी ऑल्सो पिछट आर सेल्स वो आई थिंक अच्छी बात ये थी कि हमने इमीजिएटली नहीं कहा कि ऑफिस बना लिए वो हमने प्रोजेक्ट्स भी लाइन अप किए मेड एन एड खुद से एज वेल राइट हाँ हाँ फ्रूट निंजा टाइप का जो कुकिंग वाला हमने पे बनाया था खुद से वो कोविड में किया था हमने uh, अच्छा मच मच लेटर लेटर क्योंकि वो मैं बताऊंगी उसका भी एक रीजन था बट फर्स्ट आई विल फिनिश द स्टोरी तो तो आई थिंक ये अच्छा था कि हमने प्रोजेक्ट्स भी लाइन अप किए हुए थे पहले से आई रिमेंबर आर फर्स्ट पेड प्रोजेक्ट वॉज विद्लो रिमेम्बर एक पेज होता था एग्जैक्टली पढ़ लो होता था एंड दे हैड पार्टनरशिप विद हुआवे फोन्स ठीक है तो हमने उनको पिच किया कि यार हम कराची की सीरीज़ बनाएंगे एंड वी ओनली हैड दैट अमेरिका वाली वीडियो टू तो शो दैम एज की ये हमारा क्वालिटी ऑफ वर्क है एंड दे व लाइक ओके दिस इज गुड दिस इज़ गुड वर्क गुड कॉन्सेप्ट अ गायन अ गर्ल गोइंग अराउंड कराची फ्रेज परस्पेक्टिव तब तक तो, तो हमारी शादी भी नहीं होती वी वर ओनली एंगेज यू नो तो वो हमारा एंड वी पिच देम एंड वी गॉट अ प्रोजेक्ट ऑफ फाइव एपिसोड्स एंड आई स्टिल रिमेंबर पाँच लाख की ये डील हुई थी एंड वी व लाइक वाट लाइक वन लैक पर एपिसोड लाइक वी वर ओवर द मून के हमें अभी से एक पेड़ प्रोजेक्ट मिल गया विदाउट इवन है और तब तक हमने um, पतंगीर का नाम भी नहीं सोचा हुआ था विद इन एवन इंस्टाग्राम पेज विद इन एवन फेसबुक पेज वो जो अमेरिका वाली वीडियो थी वो मैंने अपने पर्सनल फेसबुक पेज पे लगाई हुई थी यू you नो know? तो वो हमने लाइन अप किया यू you नो know? और तभी से वी स्टार्टेड पिचिंग टू मेकडॉनल्ड्स फॉर द रेड कार वीडियो जो तुम कह रहे थे ना वो हमारी अच्छा। फायरबर्ड की सीरीज़ थी कुछ हैड अ कार उसके अबू की एक गाड़ी थी uh, uh, जो फायरबर्ड उसका नाम इट्स एन अमेरिकन मसल कार विंटेज कार तो इधर का पिक्स अप दिस कार एंड ड्राइव इट अराउंड पाकिस्तान ये मेरी ड्रीम है एंड लेट्स ट्राई टू डिफरेंट क्लाइंट्स तो उस में आई डो नो फू रिमेंबर शूट कर लें बीच में एक सबा ने शुरू किया था डू यू रिम्बर हाँ तो सबा जो है ना शी हैड um,

कुछ याद नहीं है ओके आई थिंक यू वर इन दैट वीडियो मे बी यू वांट तो खैर तो आई सो किस चीज़ कोलेबरेट विद लॉट ऑफ पीपल तो मैंने सभा को रीच आउट किया मैंने बोला ओके यू हैव दिस एजेंसी स्लैश प्रोडक्शन हाउस आई हैव दिस प्लान ऑफ विद दिस फायर बर्ड एंड आई वोट डू दिस फादर आई वो डू दिस अक्रॉस पाकिस्तान लाइक फोर फाइव एपिसोड सीरीज कैन यू हेल्प अस एंड शी लव द आइडिया उस तब भी हमारे पास ये अमेरिका वाली वीडियो थी पिच करने के लिए अशीदा यू नो वर्ट आई हैव अ कॉन्टैक्ट एंड मैकडोल्ड्स आई थिंक दिस कैन फिट रियली वेल और हमारा ये आइडिया था कि एक्चुअली मैकडोनल्ड्स को पिच करते हैं बिकॉज हमें ये आइडिया अमेरिका वाली रोड ट्रिप से आया था क्योंकि हम अमेरिका में रोड ट्रिप कर रहे थे एंड वी वर लाइक यार वन थिंग विच इज़ कॉमन इज मैकड्स इज एवरीवेयर ऑन एवरी हाईवे और हमने हमने तीन हफ्ते की वहाँ पे क्रॉस कंट्री रोड ट्रिप की थी एंड वी वर ईटिंग मैकडॉनल्ड्स बिकॉज मैकडॉनल्ड्स इज द वन थिंग दैट वॉज एवरी वेयर लाइक यू नो वी वर लाइक दे आर एक्चुअली द परफेक्ट रोड ट्रिप पार्टनर वी वर लाइक यू नो वट ब्रिलियंट आइडिया लेट्स डू दिस इन पाकिस्तान द सेम थिंग बट इन अ विंटेज कार यू नो सो added element to it mm -hmm. and we'll do it across Pakistan and let's pitch it to McDonald's as being the perfect road partner, road trip partner. to ye humne साबा ko pitch kiya she loved it, she surprisingly had a contact at McDonald's and but usko pitch karne mein hame 2 saal lage लगे, wow. वो दो साल बाद हुआ, है. वो हमने 2017 से पिच किया था और वो 2019 में जाके मटेरियलाइज mm -hmm. हुआ था, but they were like interested from the beginning, so they were like ये होगा, कब होगा? We don't know, time लगेगा, लेकिन ये होगा, we love the idea. सो आई थिंक ये थोड़ी बहुत चीज़ें थी जो हमने की थी एंड दैट गिव द श्योरिटी कि यार आई थिंक वीर रेडी टू डू इट लाइक फुल फ्लैच लेट्स कम इट फुल फ्लैश क्योंकि फुल फ्लैश नहीं करेंगे तो हमें इसकी ट्रू पोटेंशियल कभी पता ही नहीं चलेगी और अगर नहीं चला वी लाइक वी बोथ आर लाइक ग्रेजुएट्स यू नो हम लोगों ने यूनिवर्सिटी की हुई वी बोथ हैव अ डिग्री विल गो बैक टू आर कॉर्पोरेट जॉब इट्स ओके वीर स्टिल यंग उस वक्त हम ट्वेंटी सेवन के थे ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट मैक्स यू नो तो वो थाट प्रोसेस था इसके पीछे इसमें Uh, वो सिद्धार्थ और अनन्या पांडे का जो है कि जहाँ आपकी स्ट्रगल्स शुरू होती हैं हमारे ड्रीम खत्म होते हैं टाइप बोथ ऑफ अस हैव एन एडवांटेज कि ठीक है हमने लम्स के अपनी डिग्री नहीं यूज़ उसकी बट हमारा सोशल नेटवर्क ऐसे of है कि हमारे दोस्त यार

यू नीड टू शो योर स्किल्स एंड वॉट आर यू केपेबल ऑफ ठीक है कोई भी आप में इन्वेस्ट नहीं करेगा जब तक आपके पास एक प्रोडक्ट नहीं होगा दिखाने को सिंपल सी बात इवन वेन यू गो टू अर शॉप टू बाई अ शर्ट और यू लुक एट द थिंग्स अराउंड फर्स्ट आप पहले पैसे नहीं देते फिर आप नहीं बोलते कि अच्छा शर्ट दिखाओ वट कैन यू मेक राइट तो आई थिंक वट वर्क इन माई फेवर एंड विच आई थिंक एवरीबडी कैन डू देट वन थिंग इज़ लाइक जो भी आपके पास आइडिया है

मैं इस पर आती हूँ पहले नंबर पे पहले बाद में आएंगे पहली बात यह कि आपने अपना प्रोडक्ट बना लिया ठीक है mm. आपने वीडियोज़ बना लिया कॉन्टेंट बना लिया देन द सेकेंड पार्ट इज पिचिंग पीपल नाउ यूर राइट कि हाँ हमारे कॉन्टैक्ट्स भी काम आए बट कहीं कहीं कोल्ड कॉलिंग भी काम आई पढ़् पे मेरा कोई कांटेक्ट नहीं था इट वो सर टोटली कंप्लीटली कोल्ड कॉल कि यू नो हे आई हैव दिस आइडिया ये वो कैन वी सेट अप अ मीटिंग कैन वी डू दिस मैंने इस तरह बहुत लोगों को रीच आउट किया उसमें तो आई एम जस्ट टेलिंग यू स्टोरीज दैट आल्सो टेस्टिफाई की मैंने पॉडकास्ट के इनिशियली hmm. जो भी गेस्ट थे कोल्ड सोशल मीडिया इवन इफ मैं कर सकता था बट आई मीन लाइक यू कांट राइट लाइक

स्लाइड इन किया है मैंने कि यार प्लीज हैव दिस आईडिया हैव अ लुक एट दिस वीडियो अपनी लिंग बेस या दिस हर दो तीन महीने में ईमेल्स किए हैं हर दो तीन महीने में नोम चोम्स की मुझे मना करते हैं कि मैं पॉडकास्ट पे नहीं आ सकता मेरे पास टाइम नहीं है hmm. फिर तीन महीने बाद तो सर अब आपके पास टाइम है मेरे बाप का क्या जा रहा है एक्जेक्टली द थिंग इज यू हैव टू पुट योर ईगो डाउन पहली बात तो ये हैव टू पुट योर ईगो डाउन एंड सेकंडली डोंट गेट सो इंटिमिडेटेड आल्सो क्या मेरी क्यों सुनेंगे मैं कौन होता हूं देखो इफ यू हैव अ गुड प्रोडक्ट अ गुड आईडिया

या, हाँ, या शायग, शायग, काम दिखाने को क्या था ना करे मैंने इसी तरह ब्लॉक कर दिया उसने मुझे बस, <laughs> मुझे लगा बस कुछ तुम समझे नहीं ना यार के, के, के लिए कुछ भी चलेगा <laughs> कर तो ये एक तरीका है कि you know, you can, हाँ, वो यही है डिफरेंट कंटेंट क्रिएटर्स को भी आप कर सकते हैं अगर आपको उनके साथ कोलैबोरेट करना है ब्रांड्स के साथ काम करने यू नो या कोई अगर दोस्त वोस्त है उनका कोई छोटा मोटा बिजनेस है भी नो शो माई क्रिएटिविटी एंड कुछ मुझे काम दिखाने को मिल जाएगा अब मैं उस बात पर आपने कहा था कि मैंने जो कंगफू टाइप वीडियो बनाई थी उसका रीजन ये था कि ना कि देखें कि देखें हम की कर सकते हैं। यस yes क्योंकि हमने एक्चुअली शुरू किया था एज ए ट्रेवल पेज ठीक है 2020 में आ गया कोविड और हमारी फट गई किश यार ट्रैवल तो बंद हो गया पता नहीं कब खुलेगा क्या mm. सीन है ये वो एंड ऑफ कोर्स आई थिंक ट्रैवल वाज आल्सो बिकमिंग लिमिटेड फॉर अस जब हमने किया तो हमें दो साल में ये फील हुआ कि यार इट्स रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर योर फॉर योर यू नो कि आप टाइम निकाल के जाओ पैसे लगा के कहीं जाओ यू you नो know? Uh, और ऑफ कोर्स आप हर वक्त ट्रेवल नहीं कर सकते कुछ भी नहीं, नहीं मिला मुश्किल है मैंने काफी, में दे दे, हाँ, हाँ, नहीं, कुछ नहीं वो बड़ी मुश्किल है वो मुझे नहीं मिला मैंने बहुत मैंने होटल्स को किया थाईलैंड में मोलदीव में नथिंग एक भी होटल ने जो है ना जवाब दिए अभी नो वे नॉट डूइंग एनी बाटर सिस्टम्स अभी नो वे नॉट डूइंग एनी पे प्रमोशन और एनी थिंग या इसको ये मिल करें उसको ये मिल करें ये मार्केटिंग कुछ नहीं होती है बट आई नो अट ऑफ पीपल जिनके लिए किया है काम आई नो अट ऑफ पीपल हाँ विद मोर फॉलोर्स आई थिंक मोर फॉलोअर्स भी अच्छा? हो सकता है डेफिनेटली एंड आई थिंक नाउ मे बी सोशल मीडिया

बस यही था यार आई नो वट वी वर डूइंग रॉन्ग अ लॉट ऑफ पीपल गेव अस डिफरेंट आइडियाज़ के एक तो ये कि यार हर दिन पोस्ट करें हर दिन पोस्ट करें कंसिस्टेंसी पकड़े yeah. तो आई थिंक दै वॉज समथिंग दैट वी वर नॉट एबल टू डू हमारे चंक्स uh, आते थे जैसे कोविड में एक सीरीज कर ली दस दिन स्ट्रेट हमने पोस्ट किया दैट वॉज द मैक्स आई थिंक वी कुड डू पाँच वीडियो एक गो में लगा ली लेकिन कंसिस्टेंसी हम नहीं पकड़ सके सबने कहा चलो डेली ब्लॉगिंग करो डेली ब्लॉगिंग दैट कपल समडी वर्किंग टूगेदर फिर अपनी लाइफ को भी इतना ज्यादा दिखाना डेली लाइफ को एवरी डेमरा था आया वो चलो मकसद था एक कॉन्सेप्ट था तो हमने वो किया फॉर टेन डेज ट्रेट बट टू डू दिस पूरा वक्त मुश्किल था और हमने कहा इतना हमें अपनी पर्सनल लाइफ को नहीं दिखाना अच्छा फिर लोगों ने भी बोला कि हाँ यूट्यूब पे द मोर आप अपनी दिन को दिखाओगे अपनी पर्सनल लाइफ को द मोर पीपल विल लव यू वो हमें नहीं करना था लोगों ने कहा हाँ कपल चैलेंजेस करो एक दूसरे पे प्रैंक्स करो ये सब चीज़ें बहुत चलती है पर उस तरह का कॉन्टेंट हमें करना ही नहीं था एंड आई थिंक बैक देन हमारा इतना पॉलिश कॉन्टेंट जा रहा था ऑन यूट्यूब जो आई थिंक

यार इंस्टाग्राम हाँ इंस्टाग्राम पे ग्रोथ जल्दी मिली तो ऑफकोर्स यू नो इट इट्स नेचुरल जहाँ पे आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलेगी आप उसी की तरफ पुल uh, हो गए यू नो यूल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड दैट तो वो ये था कि वहां पे ग्रोथ ज्यादा ईजियर लग रही थी यू you नो know, um, उसके अलावा आई थिंक स्पेशली 2020 में रील्स आ गई टिकॉक uh, आ गया शॉर्टर कॉन्टेंट ज़्यादा आ गया तो उस पर जब हमने फोकस किया इंस्टाग्राम पर तो उसमें हमें ज़्यादा रिटर्न फील mm. हुआ ज़्यादा ग्रोथ आई एकदम से यू नो ट्वेंटी के से आई थिंक हम ट्वेंटी के पे फे हुए थे फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम उससे हम थर्टी पे गए थर्टी से फिफ्टी दैन सिक्सटी तो वो ग्रोथ मिली तो वीवल अच्छा ठीक है फिर, फिर ब्रांडिटेंसी इन इंस्टाग्राम आई थिंक टू एन एक्सटेंट येस क्योंकि इस पर पिक्चर्स भी डाल देते हैं आप कभी कभी mm -hmm. कभी शॉर्ट वीडियो भी डाल रहे हो यू you नो know? और फिर वहाँ पे पेड वर्क भी ज़्यादा ईज़िली मिल रहा था यूट्यूब पे पेड वर्क बहुत मुश्किल से yes. मिल रहा था बिकॉज़ व्यूज़ नहीं थे तो वहाँ पर पेड वर्क भी नहीं आता अब जो क्लाइंट हारता वो कहता हाँ यार इंस्टा पे रील दे रहे इंस्टा पे वीडियो दे रहे तो वो भी एक शिफ्ट था कि mm -hmm. यार अब क्लाइंट्स भी सिर्फ इंस्टाग्राम मांग रहे हैं यू नो क्योंकि यूट्यूब पर व्यूज़ दिखाने के लिए ही नहीं इतने तो आई थिंक ऑल ऑफ़ दीज थिंग्स कॉन्ट्रीब्यूटेड टू दैट कि भाई ठीक है to to Instagram. I think uh, spreading out too thin is not working for us. How how hmm. about we focus on one platform, try to grow it and And see that that does. been been very good. Haan, that's been solid. Good. So solid, Yeah. Like अभी भी मेरा दिल होता है है कोई नहीं निकल आती महीने की

after my crying session my this is my sleep cry, routine cry. nighttime routine first yeah. i cry for one hour <laughs> 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 what is your skincare routine i'm like tears, tears <laughs> natural all natural <laughs> yeah, dal do. <laughs> 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 Theek, what was the churail's experience like how did you deal with the massive, massive criticism after tummy tanning yoga criticism मुझे इतना नहीं yeah. हाँ ऑफकोर्स पर्सनली yeah. नहीं आया था वो तो बेचारे हमारे mm. पूरे शो को आया था यार एक तो कि हाई वॉज वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसिस आई थिंक दम फ्राम द मोमेंट आई रेड दैट स्क्रिप्ट आई वॉज इन लव आई वॉज लाइक यार आई एम सो हैप्पी कि कोई इस तरह की चीज़ पाकिस्तान में बन रही है बिकॉज mm. उसमें जितना सिम्बलिज़म और थोड़ा सा डार्क भी था तो इसी डार्क कॉमेडी भी mm. थी बट दन ऑफकोर्स अट्रॉन्ग फेमिनिस्ट नैरेटिव टू इट ऑल्सो लाइक पहले दिन से ही जब से मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी आई वॉज इन लव विद इट सेकंडली द डायरेक्टर लाइक आसिम अबासी वॉज सो मच फन टू वर्क विद बिकॉज आई फील लाइक ही डेड अ लॉट ऑफ कैरेक्टर वर्क विच आर रियली एन्जॉयड इवन दो मेरा कैरेक्टर इतना मतलब ठीक है सपोर्टिव सपोर्टिंग कास्ट में थी मैं इतना भी बड़ा नहीं था बट ही यू नो मेराज राइट एवरी थिंग कि अपना बैकग्राउंड बनाओ अपनी हिस्ट्री बनाओ अपना बचपन बनाओ तुम ऐसी क्यों हो कहाँ से आई हो यानी पुट दैट टाइम विद एवरी इंडिविजुअल एक्टर विद एवरी इंडिविजुल कैरेक्टर विच आर रियली इन्जॉयड एंड यू नो लाइक ही वो लाइक तुम ये चल के भी जा रही हो ना तो तुम क्यों इस तरह चल के जा रही हो सोचो इस बारे में इसकी पूरी स्टोरी सोचो तुम ये एक्शन भी कर रही हो उसको तुम ये चीज़ दे भी रही हो तो क्यों दे रही हो लाइक यू नो सो दैट वॉज ए रियली रियली फन आई थिंक एक्सपीरियंस उसके अलावा पूरी टीम बहुत अच्छी थी प्रोडक्शन टीम से लेके क्रू द प्रोड्यूसर्स द को जो कास्ट मेम्बर्स थे एक्टर्स थे लाइक it was इट वॉज अ लॉड ऑफ़ फन इट वॉज टफ़ ऑल्सो बिकॉज वी हैड सो मैनी लोकेशनस हम किसी दिन गार्डन के किसी अपार्टमेंट में हम लोग फिल्म कर रहे हैं फिर कभी हाईवे पर हमने दुकान बनाई हुई थी जो हमारी जल जाती है शो में वहाँ फिल्म कर रहे हैं तो कभी किसी कॉलोनी में कभी कहाँ तो ई वॉज टफ एंड ऊपर से समर में शूट किया था तो इट वॉज़ एक पीक समर वॉज मे जून जुलाई एंड ऑगस्ट पीक समर इन कराची तो वो बहुत टफ था यू you नो know? और इतनी बड़ी कास्ट थी तो अगर आपका इतना सभी रोल है ना आपको पूरा दिन आके बैठना अगर आप बैकग्राउंड भी नज़र आ रहे हैं तो पूरा दिन आपको वेट करना है आपको आना है यू नो लाइक आई थिंक मेरी खुद की आई थिंक फोर्टी टू फिफ्टी डेज ऑफ शूट था मेरा जबकि मेरे इतने डायलॉग्स भी नहीं थे बट ऑफकोर्स पीछे आप दिख रहे हो कुछ एक्शन कर रहे हो या ग्रुप शॉर्ट है या ग्रुप में कुछ हो रहा है तो ऑफकोर्स इट रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ टाइम एंड एनर्जी फ्रॉम आर एंड द कंडीशन वर्ल्ड द बेस्ट बिकॉज लोकेशन इतनी टफ थी सो या बट बट हाउ मेनी पीपल कॉल यू अब

हाँ हम तुम नाम से यार ये कैसे नाम हो सकता है यार ठीक है बाकी तो मैं भी, भी अनमोल अनमोल भी मुझे बहुत मिलता है लाइक लाइक डे बटर बटर किसी ने बोला? अमौल, अमौल, हाँ, <laughs> बटर, तो यार ये तुम। तो I love ये हम बहुत तुम। होता है अच्छा फिर बैकलैश की भी बात की थी उन्होंने वालों ने हाँ। मुझे पर्सनली तो इतना कोई नहीं मिला था वो तो पूरे ओवरऑल शो को मिला था विच इज वेरी अपसेटिंग एंड सैड अभी देखो बरजक के साथ भी क्या हुआ है

हमारे रोडों और गटरों का इतना बुरा हाल है कि आप अंदर जाते हो फैंसी रेस्टोरेंट में पांच hmm. हजार का खाना खा के बाहर आते हो और गटर की बू सुनते हो ना तो आई थिंक दैट इज रियली आप जो <laughs> प्रीमियर स्कूल में कर रही थी और हाँ. उसके बाहर

<laughs> he was right. What, what else would she be doing in her work if she were an Indian content creator? Lots of love for your answer. So, same, she would be a lot more famous because oh, uh, of course, I mean, I think talented. Indian, I think Indian content creator, hoti, toh, you're right. I yeah. think I would be uh, in one of the Netflix series for sure by for now. Sure, for sure, <laughs> bade for mo, chote mo, bade mo, sure. But I think get are acting opportunities. Definitely. Sure. Definitely. क्रिएशन एंड जर्नी ऑफ खातून इन्होंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था और सिर्फ सिर्फ दो तीन महीने लेट नो एग्जिस्टेड नो खतून स्टार्टेड इन लाइक द समर ऑफ ट्वेंटी लाइक जून जुलाई और मैंने अक्टूबर में ज्वाइन किया और उस वक्त भी यही फनी चीज ये थी कि जब फायदा बना रही थी खबाटून तो इसी टोल भाई आओ तुम और तब मैं भारण्स करी थी तुम्हारे साथ और और मैंने कॉन्ट्रैक्ट पे था ओनली वन टू पैट अ टाइम खैर वो भी नहीं था अगर मैं करना भी चाहती तो आई लाइक एंड देखो सोच समझ के कमिट करना ये ना हो कि तुम फिर मुझे छोड़ के चली जाओ ये वो तो फिर मैंने भी बोला कि यार अभी मेरे पाऊँ बहुत अलग अलग चीजों में फंसे हुए क्योंकि जब मैंने भांस भी ज्वाइन किया था तब मैं और प्लाटून भी ऑलरेडी थी वो तो मैंने थोड़े दिन बाद प्लेटून छोड़ा था In and so मुझे नहीं लगता की mm -hmm. yeah, तो गया। गया। yeah. yeah. बोला कि अच्छा, ऐसी फोर्टीन तो ऑगस्ट mm -hmm. का एक शो था nice. जो हमने सुई गैस कंपनी पे किया था तो बड़ा अच्छा गया मुझे मज़ा आया उनको भी मज़ा आया यार आना मजा आ ही रहे तो Pakistan. स्क्रिप्ट वॉज रिटर्न इन प्रोग्रेस देवरी वॉट मेड यू चूज कॉमेडी स्क्रिट फनी थे इसलिए फनी भी थे और एक नेचुरल मेरा तो प्रोग्रेशन रहा बिकॉज मैंने थिएटर से शुरू किया एक्टिंग वॉज एक्चुअली माई फर्स्ट थिंग दैट आई डिड मतलब ना कॉन्टेंट क्रिएशन पहले की ना कॉमेडी एक्टिंग मेरा जो है ना वो रूट थी थिएटर किया उससे फिर शॉर्ट फिल्म की वो mm. करते करते फिर मैं डिजिटल की तरफ आई थोड़ा थोड़ा और साथ साथ इम्प्रोव पहले ट्राई किया आई थिंक फिर वो ट्राई करते करते पे फिर कंटेंट क्रिएशन में घुसी फिर उसमें कॉमेडी स्किट्स और इम्प्रोव ट्राई किया आई थिंक वॉज इज द नेचुरल प्रोग्रेशन ऑफ थिंग्स यू नो बिगेस्ट कॉम्प्रोमाइजेडी क्या कोशिश करती हूँ कि ना करना uh, पड़े कॉम्प्रोमाइज बट लाइक मीन लाइक पर्सनली क्या कॉम्प्रोमाइज किया टू डू कॉमेडी या वर्क में क्या वॉज द क्वेश्चन एग्जैक्टली लाइक तुम्हें समझ आया क्वेश्चन नहीं आई थिंक मे बी वही कि सोसाइटी में बड़ा मुश्किल होता है कॉमेडी करना चैलेंजेस होते हैं ये होते हैं बट एट दी एंड ऑफ द डे वी डेन लुकेट अर कंट्री इस तरह से कॉमेडी करने के लिए क्या कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा है ये इनका क्वेश्चन था बट लाइक द जो मुल्क के हालात हैं

<laughs> ये सब एडिट करते हैं ना कि मैं इसके कान में बोल रहा था इन्वेंटर चाहिए होता है बिल्कुल बिल्कुल व्हाट व्हाट ही सेड जी बिल्कुल जो अच्छा जो, जो शहजाद क्या मेंटल मेंटल बोलने से हां मेंट शहजाद वाज माय मेंटल क्या रिपीट आफ्टर मी जिस तरह मलाला कहती है ना कि मेरे बाप ने मेरे पर नहीं काटे तो मैं मैं अगर मलाला हूं तो जियाउद्दीन यूसुफ जई शहजाद गया क्या यार बट Yes, guys. अच्छा uh, <laughs> <laughs> मैं यही कहना चाहूंगी कि uh, हाँ इतना कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ा ऑनेस्टली माय पेरेंट्स फॉर सपोर्टिव दे वर ओपन माइंडेड ऑफ कोर्स मुझे यहाँ हुआ उनको कन्विंस करना पड़ता था आई रिमेम्बर जब मैंने ग्रीस किया था तो मेरी mm. अम्मी कह रही थी तुम स्कर्ट पहन के स्टेज पे डांस करोगी यू you नो know?

बट uh, हाँ मैं एक चीज़ रुकूंगी कि लाइक ट्राई टू हैव कॉन्वर्जेसन विद पेरेंट्स आई नो दे सबके नहीं होते इतने ओपन माइंडेड बट कोशिश करें यू नो पेरेंट्स को भी बोलूँगी कि यार कान खुले रखें गिव योर लाइक यू नो योर किड्स अ चांस टू कन्विंस यू एटलीस्ट पेश एक आर्ग्यूमेंट पेश करें कुछ मतलब यू नो हैव अ डायलॉग वो एक चीज़ है जो हमारे आई थिंक फैमिली में मिसिंग है ना हमारी सोसाइटी में कि बड़ों से सवाल नहीं पूछ सकते mm -hmm. और बड़ों से ये बस इट्स अ वेरी वन वे कॉन्वर्जेसन इफ़ यू नोटिस पेरेंट्स और एक बच्चे के बीच में बहुत एक वन वे होता है कि जो वहाँ से ऑर्डर्स आ रहे हैं जो वो कह रहे हैं वो बस सुनना है चुपचाप यू आर ग्राउंडेड तो यू आर ग्राउंडेड बच्चा आस्क वाई वट डिड आई डू रॉन्ग यू नो एक्सप्लेन इट टू मी और हाउ कुड आई बी बेटर नो यू आर ग्राउंडेड खत्म कहीं नहीं जा रहे तुम तो, फोन छीन लिया यू नो कानवर्जेशन नहीं होती तो आई थिंक आई वाज लकी इनफ दैट स्पेशली माय डैड गिव मी द रूम टू हैव दिस डायलॉग एंड कॉन्वर्जेस तो आई थिंक नॉट ज़्यादा मैं लड़कियों को नहीं पेरेंट्स को कहूँगी कि यार कॉन्वर्जेसन तो करें बात तो करें मसला क्या है और मैं हमेशा ये कह रही थी कि यार जो पेरेंट्स कहते ना कि नहीं तुम बिगड़ जाओगी और कुछ गलत काम हो जाएगा और ये लड़, गलत लड़कों में पड़ जाओगी गलत लोगों में तो मैं okay, ये कहती हो गया, okay. नहीं मैं ये कहती हूँ कि यार अगर आपको अपनी अपब्रिंग में थोड़ा सा भी भरोसा है तो यार यू शुड ट्रस्ट योर डॉटर ना कि यू देम वेल वाई डू यू डाउट लगा देना मैं कभी... बत... अच्छा, तुम बोलती रहो बत... अच्छा, तो ये मैंने कि अपने अम्मी अब को भी ये लाइन बोली हुई है कि या तो बहुत गंदा म्यूजिक ट्रैक दे रहे हो ना बोलो मैं दे रहा हूँ तो मैंने आई थिंक अपने अम्मी-अबू के सामने भी ये लाइन बोली थी कि बाबा यू रेज मी वेल राइट तुम पूरी वाइब मारो चुपचाप <laughs> तो एक टाइम अपनी बोलना सही है मुझे अपनी बात खत्म करने दो ये बहुत जरूरी है हमारी यूथ के लिए म्यूजिक चेंज करता हूं आप करें हां तो मैंने बाबा को बोला कि कुछ बुला दूंगा अगर तुझे तो मैंने लिटरली अपने अबू को ये बात बोली थी कि, आ, कि you नाम। अच्छा सॉरी सॉरी हाँ तो मैंने उनको यही बोला था कि यार आप भरोसा रखें अपनी अपब्रिंगिंग पे अपनी बेटी पे कि वो कोई गलत काम नहीं करेगी यू आपने मुझे इतनी अक्ल दी है अच्छे बुरे की समझ दी है तो आई यू सोस कैड यू नो तो यही मैं बोलती हूँ सबको कि यार थोड़ा पेरेंट्स भी अपना दिमाग खोलें इस तरह एंड हाँ आ, बस तो ला 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 उस दिन आपने एक पेटी खोई थी हम और आपने पेटा भी, भी खोए ला 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 <laughs> तुम बोलो मैं मैं म्यूजिक देखती हूँ अच्छा अन्य मैं तुमसे कोई डीप दी, दी, सवाल तो पूछूं तो शहजाद व्हाट डू यू थिंक अबाउट लव प्यार जो है वो वन वे कॉन्वर्सेशन नहीं होनी चाहिए हमें लगता है प्यार खाने का नाम है, ला ला, प्यार ला खोने का नाम है। अगर आप उसमें अपने, अपने आप को खोने सकते, अपना आप उससे पहले रखते हैं तो वो प्यार नहीं। ला, ला, ला लालच यार तुम तो बहुत ही नहीं। तुम तो शाहरुख खान मोड में ब्रेक ही नहीं हो रहा कैरेक्टर यार। यार, तुम्हारे अंदर एक छुपा हुआ शाहरुख खान है ना तुम्हें तो शौक शौक करने का हीरो मैं एंजॉय बहुत करता हूं मैंने भी रिसेंटली फिर भी दिल्ली थी कि मैंने इतना एंजॉय किया उसको मैंने इतना एंजॉय किया उसमें वो गाना तुम्हारे अंदर एक छुपा हुआ एक बॉलीवुड हीरो है

Why? But I want क्यों yeah, नहीं करने? Just you scared. I'll, I'll tell you what what I like हाँ. the most about like these camp Shahrukh Khan movies and musicals is कि मेरा जो दिमाग है ना वो, एक, वो इतना सोचने समझने हाँ. में इतना होता है

तरीन शाहरुख खान फिर भी दिल है हिंदुस्तानी टाइप बाजीगर बाजीगर चलो फिर भी एक सीरीज सीरीज थी देक हाँ, बट चलो जो कुछ जो, कुछ होता है हाँ, और मैं कुछ मुझे मैं हूं ना मैं हूं ना कितना वो फनी सीन है वो जिसमें वो टाइगर के सॉफ्ट टॉय को मार रहा होता है यार वो कितना फनी सीन है वाह क्या एक्टिंग कर रहे हैं हाँ ना बोल रहे कमाल कमाल तो वो हर चीज जो है ना आपको यहाँ से नहीं देखनी होती के, to, in, yeah, कभी, कभी, कभी. Yes. So मैं यही कहती हूँ कि यार उनका भी मकसद होता yes. है वो भी एक वैल्यू दे रहे हैं एक सर्विस कर रहे हैं नॉट एवरी इज फॉर सोशल मैसेजेस सीरियस नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन ऑफकोर्स वो भी इंपॉर्टेंट बट आई ऑल्सो फील लाइक यार एंटरटेनमेंट

नहीं यार वो बंदा आजकल जिस वाइब में आता है ना अच्छा ठंड माहौल अच्छा उसको बोलेगा क्या कर बिडू न? सांस ले सांस ले बिडू न? सांस ले बिडू भिंडी प्याज बना ये भिंडी प्याज की मैं रसी भी बताता हूँ भिंडी, भिंडी बना सांस ले जिंदगी गुजार आ जाएगा लेकिन पापरा जयके अगर सांस नहीं ले रहा वो हर जगह एक पौधा लेके जाता है और वो सांस लेता रहते है और वो लोग बोलते हैं सांस ले सांस ले ये सांस लेना बड़ा जरूरी है ना बिडू

और मैं तो चिलिंग कर रहा हूँ मस्त माहौल आप इंजॉय करें थैंक यू आपने आज हमें वक्त दिया थैंक यू आप सब ने सुना जाकर देखिए ट्रिपल विद अली गुलपीर और जब वो देख लें रेनबो सेंटर से तो फिर पॉडकास्ट भी देख लीजिए <laughs> पतंगीर अमतुल बवेजा टीपी साइनिंग ऑफ थैंक यू सो मच बाय बाय